I guess it's done. यस सो एम आई लाइव एम आई ऑडिबल प्लीज एक बार सब लोग कन्फर्मेशन दे दो सो विल स्टार्ट भाई कैलकुलेटर भी देना कैलकुलेटर देना सो इज एवरीथिंग स्टार्टेड प्लीज टेल मी इफ यस देन विल गो फर्दर अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू विच इज एट दिस साइड क्या कर रहे हैं सर डायरेक्ट टैक्सेस एंड इंटरनेशनल टैक्स का मई 24 जून 24 नवंबर 24 दिसंबर 24 के लिए बैच ले रहे हैं कुछ हाइलाइट जो पिछले दो लेक्चर के अंदर में हुए हैं वो बता दूं और आज का लेक्चर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि हम आज से टैक्स कैलकुलेशन चालू करने वाले हैं यस आज से हम लोग क्या चालू करने वाले हैं टैक्स कैलकुलेशन चालू करने वाले हैं तो सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पहले एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या किया जब हम रिवीजन करेंगे मोटे मोटे पॉइंट्स को ही रिवाइज करेंगे ठीक है ताकि पूरा टाइम इसके अंदर में ना जाए तो चलो मुझे एक बात बताओ हम लोगों ने सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 पढ़ा था इज द एक्ट एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया यस इंडिया कहां तक के एक्सटेंड हो रहा है 200 नॉटिकल माइल्स ठीक है इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि द एक्ट की एप्लीकेबिलिटी आती है 1962 से बजट जो आता है ये कौन से एक्ट के हिसाब से आता है FRBM एक्ट के हिसाब से आता है एंड लेटर ऑन फाइनेंस एक्ट की अप्रूवल मिलकर के वो फाइनेंस एक्ट का पार्ट बन जाता है यस और नो इसके बाद में लॉ मेकर्स लॉ बनाते हैं इंप्लीमेंटर्स उसे इंप्लीमेंट करते हैं CBDT CBIC एंड बाद में चल के लॉ इंटरप्रेटर्स उसको इंटरप्रेट करते हैं पहली अपीलेट अथॉरिटी कौन होती है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कौन है CIT अपील्स दूसरी अपीलेट अथॉरिटी कौन है दूसरी अपीलेट अथॉरिटी कौन है ITAT ITAT के बाद कौन है हाईकोर्ट हाईकोर्ट के बाद कौन है सुप्रीम कोर्ट याद आ रहा है तुमको इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी सेक्शन 4 इनकम टैक्सेस पेबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट स्पेसिफाइड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट एट द रेट स्पेसिफाइड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन प्रीवियस ईयर फिर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर देखा था अगर आपको याद हो तो यस जरा सोच करके बताइए क्या देखा था हम लोगों ने प्रीवियस ईयर इज द ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर असेसमेंट ईयर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st अप्रैल एवरी ईयर इन केस ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट याद आ रहा है मालिक आपको इसके बाद में हम लोगों ने देखा था प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर के बाद हमने देखा था जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन है 5 मेजर एक्सेप्शन थे पहला AOP BOI विच इज फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस क्लोजर ऑफ बिजनेस पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स क्लियर है मालिक ये 5 एक्सेप्शन हम लोगों ने देखे थे इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों ने देखा नोटिफिकेशन सर्क्यूलर रूल्स एक्ट एंड केस लॉज ऑल आर विद इन द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स ठीक है मालिक अच्छा जी सर्क्यूलर इज एप्लीकेबल ओनली टू डिपार्टमेंट एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉट मैंडेटरी फॉर SSC क्लियर हमने इनकम की डेफिनेशन को भी देखा इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 224 रेगुलर होना जरूरी नहीं है लीगल इलीगल से इनकम टैक्स को कोई फर्क पड़ता नहीं पर हाँ एक्चुअली कैसे देखा जाता है ये इनकम है या नहीं है क्योंकि जरूरी नहीं हर इनकम लिस्ट कर दी जाए तो हम लोग क्या करते हैं बैंक अकाउंट के क्रेडिट्स देते हैं कैश बैलेंस के क्रेडिट्स देखते हैं और उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करते हैं क्लासिफाई करते हैं इनटू कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स कैपिटल रिसीट्स के 4 मुख्य प्रकार लोन लाइबिलिटी कैपिटल एंड पर्सनल इफेक्ट्स पर्सनल इफेक्ट्स में कुछ चीजें नहीं आती मतलब इवन दो दोज गुड्स आर यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस यस स्टिल बोलो जल्दी से स्टिल क्या माना जाएगा उसके ऊपर टैक्सेस आएंगे शॉर्टकट बनाया था हमने जड़पास VDA ज्वेलरी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर एनी वर्क ऑफ आर्ट एंड वर्चुअल डिजिटल एसेट्स विच इंक्लूड्स क्रिप्टो एंड NFTs याद आ रहा है मालिक चलो जी यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 में हम लोग वापस आते हैं प्लीज अपने रजिस्टर पे जाइए सेक्शन 4 हम लोग पढ़ रहे थे एक बार रिपीट कर देते हैं इनकम टैक्सेस पेबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट स्पेसिफाइड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन प्रीवियस ईयर कल हमारा डिस्कशन था पर्सन के ऊपर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 हमें पर्सन बताता है मैंने आपको पहले ही बता दिया सारी डेफिनेशन एक साथ नहीं पढ़ेंगे जहां जो डेफिनेशन काम किया वो पढ़ेंगे तो पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल मीन्स अ नेचुरल पर्सन दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बताइए कैन विमेन भी करता यस को पर्सनल मेंबर सेम डिफरेंट अगर आप मिताक्षरा से आ रहे हैं दयाभागा से आ रहे हैं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है फर्म इंक्लूड्स LLP सिर्फ 2 सेक्शन में फर्म डू नॉट इंक्लूड LLP 44AB 44ABA यहां तक कि हमारा कल का डिस्कशन हुआ था तो ये था आपका क्विक रिकैप बढ़ते हैं आगे पर्सन की डेफिनेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट आता है कंपनी
When I say company, company में दोनों तरीके की company include होती है, domestic company as well as foreign company, right? So क्या हर foreign company को India में tax देना है? Well, इसका जवाब ये सही समय नहीं है इस सवाल पूछने का कि क्या हर foreign company which is operating in India is liable to tax or not? Because इस सवाल का जवाब हम तभी दे पाएंगे जब हम permanent establishment नाम का concept पढ़ लेंगे या हम residential status at least पढ़ चुके होंगे तो भी हम इसका सवाल का जवाब दे पाएंगे. But yes, foreign companies are also included in the definition of companies. अब मुझे एक बात बताइए, have you heard about LLC या corporation नाम का concept? Many countries like Mauritius, Singapore, USA, Dubai, they have a corporation as a concept. मतलब they understood corporation as a company. तो क्या इंडिया में भी इनका classification company बोल के ही होता है? Answer is yes. इंडिया में भी इनका classification company बोल के होता है. And just in case अगर आप उसको company में classify नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास AGP criteria तो है ही. So when I comes to company, it includes domestic company as well as, बोलो मेरे बच्चा, foreign company. Clear है मालिक? Next आता है association of person and body of individual. आ जाओ, understand कीजिएगा, final level पे आपको ये नहीं पूछेंगे what is the difference between AOP and BOI, but I understand it कि आपको खुद को तो पता होना चाहिए ये है क्या, yes or no, right? तो इसीलिए मैं आपको ये लिखने नहीं बोल रहा हूँ register में, जितना काम का उतना लिख लेना. पहला है association of person, दूसरा है body of individual. Understand there is a very thin line between AJP, AOP and BOI. Now for the time being, understand AOP, BOI as one concept and AJP as one concept. Now let's say if there is a trust, they are operating as a trust, but they are not registered with the National Trust Act. वो National Trust Act के साथ registered ही नहीं हुए. In that particular case, in income tax, they will be classified as AJP. And if they are registered with the National Trust Act or a cooperative society registered under the Bombay Cooperative Society Act, then and only then they will be classified as AOP BOI, else they will be classified as AJP. So under AJP, we consider all the unregistered association which are operating in India, yes or no, with or without a specific designation, right? So मान लीजिए कोई trust है, आप लोगों ने, सात लोगों ने मिल करके क्या कर दिया, एक मंदिर बना दिया, बराबर है. सो भारत में मंदिर बड़े आम तरीके से किसी चीज के ऊपर विश्वास, किसी जगह के ऊपर विश्वास या पॉजिटिव एनर्जी के साथ बन जाते हैं, राइट? जब मैं मंदिर कह रहा हूं तो मैं हर तरीके के डीटी को इंक्लूड कर रहा हूं. अब समझो सात लोगों ने मिलकर के कुछ चमत्कारी जगह कोई आई और वहां पे उन्होंने चालू कर दिया, एक गुल्लक रख दिया, गुल्लक में पैसे आने शुरू हो गए. नाउ दे आर नॉट रजिस्टर्ड बट दे आर अर्निंग, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इनकम. नाउ द क्वेश्चन इज दे विल बी क्लासिफाइड एज एजेपी और उनका असेसमेंट जो होगा वो एजेपी बोल के किया जाएगा. आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि सर उनको कैसे पता चलेगा ऐसा कोई एसोसिएशन बन गया. मुझे एक बात बताइए, आज से 3-4 साल पहले आपको पता था बागेश्वर धाम नाम का कोई जगह होता है कि आपकी पर्ची निकलती है और आपका पूरा भविष्य पर्ची पे आ जाता है? बट आपने रीसेंट 2-3 सालों में देखा होगा बागेश्वर धाम एक बहुत बड़ा ट्रस्ट बन गया जहां पे करोड़ों रुपया इनफ्लो हो रहा है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? करोड़ों लोग आ रहे हैं, इनफ्लो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये उनको पता चल जाता है. एंड देर आर मेनी मैकेनिजम्स कि उनको ये बात पता चल जाती है क्योंकि ट्रस्ट में जो पैसा आ रहा है उसको कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करोगे आप, कोई तो बैंक अकाउंट खोलोगे, कोई तो ट्रस्ट फॉर्म करोगे. तो जब तक ट्रस्ट को अप्रूवल नहीं मिलता, आपने एक ट्रस्ट बना दिया पर ट्रस्ट अप्रूव नहीं हुआ, बताइए ये एओपी बीवाई या एजेपी में क्लासिफाई करूं? समझ में आ रही बात? फिर ये कहां क्लासिफाई हो जाएगा? एजेपी में क्लासिफाई हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब एओपी बीवाई में बेसिक डिफरेंस क्या है? बीवाई का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इंडिविजुअल कमिंग टुगेदर फॉर अ पर्पस. यस, इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहूंगा. मान लीजिए रोटरी क्लब, हैव यू हर्ड अबाउट रोटरी क्लब? यस, रिक्रीशनल रोटरी क्लब्स. अब उसके अंदर के सारे मेंबर्स जो हैं वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स हैं. यस, दूसरा जो ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्ट के भी सारे मेंबर्स जो होते हैं ये इंडिविजुअल्स होते हैं. जैसे एक गौशाला हो गई, गौशाला के अंदर में देखिए बोर्ड लगा होगा, हर आदमी का इंडिविजुअल नाम लिखा है, दी आर क्लासिफाइड एज BOI. क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन में कोऑपरेटिव वर्ड है ही नहीं जो आप रियल लाइफ में देखते हो, ट्रस्ट है ही नहीं जो आप रियल लाइफ में देखते हो, बाजार समिति नाम का कोई वर्ड ही नहीं है. जैसे मार्क रेलवे यूनियन मजदूर संघ, आपने ये जरूर देखा होगा रेलवे स्टेशन के, रेलवे यूनियन मजदूर संघ मतलब मजदूरों के द्वारा बनाया गया एक यूनियन फॉर देयर राइट्स. अब इसमें कॉमन कंट्रीब्यूशन तो आ ही रहा होगा. नाउ अंडरस्टैंड, दे आर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, दे आर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, रजिस्टर्ड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स.
ऐसे ही कई सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें मेंबरशिप इंडिविजुअल को बनने का राइट है, आप उसको BOI में क्लासिफाई कर देते हो। दूसरा होता है AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जहां आप पर्संस एंड पर्संस रख सकते हो, इसको हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसका सिर्फ और सिर्फ बेस्ट एग्जाम्पल एक ही बन सकता है, वो है ज्वाइंट वेंचर। मतलब किस तरीके से समझिए, मान लीजिए मैंने कोई लैंड ली, मैंने क्या कर दिया, कोई लैंड ले ली, और इस लैंड के साथ साथ मेरा एक JV बन गया किसके साथ, कुमार बिल्डर्स के साथ। ही अग्रीज टू मी कि विजय अगेंस्ट दिस लैंड यू गिव मी द लैंड, आई डेवलप द लैंड, यू विल गेट 2 flats and 3 shops, और हम दोनों बाकायदा काया में आ गए, एक JV अग्रीमेंट्स के अंदर में आ गए। नाउ इन दिस सिचुएशन हियर देर इज वन पर्सन हु इज इंडिविजुअल, देर इज अ बिल्डर हु इज अ कंपनी, एंड बोथ आर कमिंग टुगेदर एज अ ज्वाइंट वेंचर। वी विल सेल द प्लैट, वी विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड अदर देन प्रॉफिट सम कंसिडरेशन एज वेल। तो ये जो एसोसिएशन हमारा बना, हम इसको कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। समझ में ही बात। चलिए कुछ और बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ जो आगे भी आपको काम आएंगे। मान लीजिए एक डैड थे और डैड के 2 son थे, बराबर। डैड की एक प्रॉपर्टी थी जो इनहेरिटेंस में सन को मिल गई। सिंस दे आर 2 individual, कैन दे बी क्लासिफाइड एज BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल? कैन द इनकम फ्रॉम दैट को ओन्ड प्रॉपर्टी बी कंसिडर्ड एज BOI एज इनकम? क्या लगता है? आई नो इट इज एन एडवांस क्वेश्चन, बट ट्राई करो, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूं तुमको, क्योंकि अब तुम्हारे लिए जरूरत है। पापा से क्वेश्चन समझिए, फादर के 2 son, बराबर है। तो मान के चलो मेघराज जी, उनके 2 son सतीश एंड सुनील, अब इनको प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिली। अंडरस्टैंड, आर दे बोथ इंडिविजुअल? यस। सपोज देर आर अर्निंग रेंट फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी, सो वेदर दे विल बी असेस्ड एज BOI और दे शुड बी असेस्ड एज को ओनर। अब आप मुझसे पूछेंगे, सर व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टैक्सेशन बिटवीन बोथ, तो हम जवाब दे पाए। अंडरस्टैंड, अगर आप को ओनर है तो आपकी जो इनकम असर्टन होती है फ्रॉम द प्रॉपर्टी, वो सेक्शन 26 से होती है, जहां पे HP इनकम जैसे नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट करते हैं, और प्रॉफिट को एंड में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, बराबर है। दूसरा, अगर आप BOI है तो उस केस में क्या होता है, डिपेंड करता है आपका टैक्स रेट क्या होगा, बेस्ड ऑन मेंबर्स इंडिविजुअल इनकम। अगर मेंबर की इंडिविजुअल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो आप MMR के पे टैक्स हो जाते हो। ये आगे चल के एक पूरा चैप्टर है AOP BOI। आपको पता है इंटर में आपको ये सिर्फ एक डेफिनेशन थी, फाइनल में ये जितने पर्सन है वो सबका आपको एक एक चैप्टर है, ये डिफरेंस है फाइनल में। तो आप बताइए, दोनों को प्रॉपर्टी मिली, नाउ दोनों को ओनर माने जाएंगे एज ऑफ नाउ, तो अब इन्हों BOI क्लासिफाई करना चाहिए या को ओनर क्लासिफाई करना चाहिए आपके हिसाब से? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे BOI क्लासिफाई करना चाहेगा टू कलेक्ट मोर टैक्स, इंडिविजुअल्स काय में कवर होना चाहेंगे, ओनर में कवर होना चाहेंगे? तो अब इस थिन लाइन को डिवाइड कैसे करें? एनीवन जिनने आर्टिकल शिप किए DT में, 3-3.5 साल इन्वेस्ट किए हैं, जितनी इनकम के बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे BOI रखें या को ओनर, एक जवाब आया है भाई इनकम के बेसिस पे क्लासिफाई कर दो, उसको क्या रखना है? दूसरा बोल, there is no registration, yeah obviously if you are a BOI you will be registered, otherwise you will be classified as AJP. तो एक जवाब आया कि भैया बिटवीन उनके बीच में के अग्रीमेंट्स डिसाइड करेंगे, अगर दोनों के बीच में कोई फॉर्मल अग्रीमेंट है तो आप उसको BOI में क्लासिफाई करो, नहीं तो इसको कोनर में क्लासिफाई करो। वैस मैं आपको बताता हूँ, इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी है, गोविंद मामिया करके एक जजमेंट है, ये हम AOP में पढ़ेंगे और इसलिए मैंने आपको जजमेंट का नाम बताया। गोविंद मामिया जजमेंट कहता है इफ देर इज अ कॉमनिटी ऑफ गोल, देर इज अ कॉमनिटी ऑफ इंटेंट, देन एंड ओनली देन आप इसे क्या मान सकते हो, BOI मान सकते हो, अदरवाइज आप इसे BOI नहीं मान सकते। अब नाउ अंडरस्टैंड कीजिएगा, प्रॉपर्टी जो इनहेरिटेंस में दोनों भाइयों को आई, ये क्या इंटेंडेड था क्या कि हम दोनों मिलेंगे, दोनों जन प्रॉपर्टी लेंगे, उसको रेंट पे चढ़ाएंगे और फिर इनकम आएगी? वॉज इट एन इंटेंशनल थिंग? आंसर इज नो। इफ देर इज नो कॉमनिटी ऑफ इंटेंट तो हम स्ट्रेट अवे इसको क्या मानेंगे, को ओनर मानेंगे और सेक्शन 26 में क्लासिफाई करेंगे, और अगर कॉमनिटी ऑफ इंटरेस्ट है
तो ही हम इसको क्या मानेंगे, BOI। दूसरी बात, BOI में क्लासिफाई करने के लिए आपका बिजनेस में भी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये BOI से जनरेट क्या होना चाहिए, प्रॉफिट, इसको टैक्स करने के लिए। तो लॉजिक समझ में आया सभी को? तो भले ही दो लोग है, देर आर टू इंडिविजुअल, पर आप इसको BOI तभी मानोगे व्हेन देयर इज अ कॉमनिटी ऑफ इंटेंट। अगर कॉमनिटी ऑफ इंटेंट है तो ही हम इसको BOI मानेंगे, नहीं तो हम उसको कोनर में क्लासिफाई कर देंगे। वेरी क्लासिक एंड बेस्ट एग्जाम्पल ऑन दिस कंसेप्ट। सो BOI ओनली कंसिस्ट ऑफ हु, इंडिविजुअल्स। तो जितने मजदूर संघ हो गए, रोटरी क्लब हो गए, आपने, अगर आप महेश्वरी हैं तो आपको याद होगा महेश्वरी परिवार का एक अपना ट्रस्ट होता है। यस, महेश्वरी परिवार का अपना एक ट्रस्ट होता है, जैन समाज का अपना एक ट्रस्ट होता है, ऑल ऑफ देम आर इंडिविजुअल। आप उसको कहाँ क्लासिफाई करोगे? BOI में क्लासिफाई करोगे। यस, तो ऐसे ट्रस्ट जितने भी रहते हैं उनको हम AOP BOI के अंदर में क्या कर देते, क्लासिफाई। सो BOI कवर्स ओनली इंडिविजुअल, BOI covers only individual, it covers person or persons। इसका example JV, इसका example let's say कोई trust, cooperative society, रोटरी क्लब एक्सेट्रा। डन मालिक, ओके। सो AOP BOI के बीच का डिफरेंस क्लासिफिकेशन। इसके नीचे हम एक और पॉइंट लिखेंगे, ओनली रजिस्टर्ड एंटिटी, ओनली रजिस्टर्ड एंटिटी। यही JV बनाया और आपने इस JV को क्या नहीं किया, JV वैसे एज सच रजिस्टर्ड होती नहीं है, पर हाँ आप एक फॉर्मल अग्रीमेंट बनाते हो। नहीं तो आप बोलोगे सर JV कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, JV के लिए आप फॉर्मल स्टैम्प पेपर पे अग्रीमेंट बनाते हो और ये अग्रीमेंट को रजिस्ट्रार के पास जाके आप स्टैम्प ड्यूटी दे करके ऑथराइज करवाते हो। समझ में आ रही बात? अदरवाइज JV आपको किसी एक्ट में रजिस्टर्ड होते हुए नहीं दिखेगी, ये बात को ध्यान में रखना। सो ओनली रजिस्टर्ड एंटिटी विल बी कंसिडर्ड एज AOP BOI। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अ लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज पर्सन। बताइए क्या लोकल अथॉरिटी की भी कोई इनकम होती होगी? क्या लोकल अथॉरिटी की भी कोई इनकम होती होगी? वेल, लोकल अथॉरिटी इंक्लूड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यस दे इंक्लूड ग्राम पंचायत या लोक पंचायत, वो इसके अंदर में क्या होते हैं, कवर होते हैं। क्या इनकी इनकम होती होगी? म्युनिसिपल टैक्स आप दे रहे हो, ये इनकम है, वाटर बिल आप दे रहे हो, सीवरेज टैक्सेस कलेक्ट होते हैं, ये अपनी दुकान रेंट पे निकालते हैं म्युनिसिपैलिटी की। PMRDA नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, PMRDA के शॉप्स होते हैं जो वो रेंट पे देते हैं छोटे छोटे वेंडर्स को, राइट। लीजिंग से बहुत बड़ा इनकम आता है इनको। लीजिंग से कैसे सर? ये अपना प्रॉपर्टी 80 साल 90 साल के लिए लीज पे देते हैं और लीज के जो रेंटल आते हैं वो, अभी रिसेंटली पुणे में मेट्रो बन रहा है, दिल्ली में तो ऑलरेडी है, मुंबई में भी ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जो मेट्रो के अंदर में शॉप्स होते हैं इसका लीज पेमेंट आता है, इसका लीज पेमेंट आता है। तो इस तरीके से आपको क्या होता है, बहुत सारा इनकम जनरेट होता है, तो आप भी पर्सन में कवर्ड हैं। एंड लास्ट, अगर आप इसमें से किसी में क्लासिफाई नहीं कर पा रहे तो आप इसको किधर डाल दोगे? AJP। सो ऑल अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन, एंड इफ दे कैन नॉट बी क्लियरली क्लासिफाइड इन दी एनी ऑफ द अबाउ कैटेगरी, वी विल क्लासिफाई इट एज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। क्लियर है मालिक? तो सीधा रजिस्टर में जाओ, पर्सन लिखो, सीधा रजिस्टर में जाओ, पर्सन लिखो, Section 2 Subsection 31 पर्सन। इंडिविजुअल HUF, फर्म एक्सेप्ट फॉर 44AD, 44AD है।
कंपनी AOPBY लोकल अथॉरिटी AJB। Is it done? Done? चलिए अब मैं आ रहा हूं चैप्टर नंबर 1 के थ्योरी क्वेश्चन जो अगेन पूछा जाता है। मैंने सबसे पहले आपको थ्योरी क्वेश्चन बताया प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर उसके एक्सेप्शन राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट आता है एसएससी का डेफिनेशन। भारत भर में मैक्सिमम टेस्ट सीरीज जब चैप्टर नंबर 1 पे टेस्ट देती है तो वो एसएससी के डेफिनेशन को कवर करती है। बिकॉज ये जो एसएससी का डेफिनेशन है ये एक बार में नहीं पढ़ा, ये ड्राइव हुआ है। ये क्या हुआ है? ड्राइव। आइए आपको बताता हूं क्योंकि ये डेफिनेशन आगे बहुत जगह काम आएगी। क्या आप जानते हैं इनकम टैक्स में मैक्सिमम जगह पे पर्सन वर्ड यूज नहीं है, वहां पे एसएससी वर्ड यूज है। यस, उसके कई रीजंस है। डेफिनेशन से आपको क्लियर होगा। डेफिनेशन मेरे साथ पढ़िएगा। एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय होम एनी टैक्स इज पेएबल अंडर द एक्ट। दिख रहा आपने, मैंने कुछ वर्ड स्किप कर दिए। हिस्ट्री सुनिए। हुआ ये कि एक दिन एक असेसी के ऊपर असेसमेंट किया गया और असेसमेंट करके उसको असेसमेंट का नोटिस भेजा। असेसमेंट नोटिस कुछ इस तरीके का था जिसके अंदर में उनको टैक्स दिया था, टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट दिया था और इसके साथ साथ यू नो पेनल्टी भी लगाई गई थी। उसने इतना जबरदस्त इंटरप्रिटेशन किया लॉ का कि लॉ को अपने शब्द बदलने पड़ गए भाई साहब। उसने क्या किया, सिर्फ टैक्स पे कर दिया और इंटरेस्ट और पेनल्टी पे ही नहीं किया। एओ पहुंच गया। उन्होंने क्या पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया। मैंने तेरे को 3 का नोटिस दिया, यू आर जस्ट पेइंग 1। मैंने तेरे को 3 का नोटिस दिया। सर कैसी बातें कर रहे हैं, बींग असेसी आई एम ओनली लाइबल टू पे टैक्स। रिफर द डेफिनेशन, असेसी इज अ पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स। मेरी लाइबिलिटी आपने इंटरेस्ट और पेनल्टी पे तो रखी नहीं, और जब तुमने कुछ कहा ही नहीं तो दिल की बात मैं कैसे समझूंगा ना। बात समझो ना सर। नहीं, ऐसे कैसे होता है, मैंने आपको पूरा लेटर दिया है और लेटर के अंदर में आपकी फाइनल लाइबिलिटी आपको कंसिडर करनी थी। फाइनल लाइबिलिटी में सर क्लासिफिकेशन है ना, इंटरेस्ट और पेनल्टी भी है, और मैं असेसी तब रहता हूं जब आप मेरे को सिर्फ टैक्स पे करने के लिए बोले। मैटर कोर्ट में गया और डिपार्टमेंट हारा, और आप तो जानते ही है जब जब डिपार्टमेंट हारता है अगले साल क्या आ जाता है, अमेंडमेंट। तब जाकर के इन्होंने एक और वर्ड किया, और एनी अदर सम पेएबल अंडर द एक्ट। तब जाके इनकी नींद खुली, एनी अदर सम पेएबल अंडर द एक्ट वर्ड भी ऐड किया। तो आज हम एसएससी किसको मानते हैं, आज हम एसएससी मानते हैं उस पर से तो एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम अंडर द एक्ट। क्लियर है? तो अब आप इंटरेस्ट पेबल हो, चाहे आप पेनल्टी पेबल हो, चाहे आप टैक्स पेबल हो, आप एसएससी की कैटेगरी में आ गए। क्लियर है? टेल मी, इस लाइन को पढ़ के एक एमसीक्यू का जवाब दीजिए। ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। एवरी पर्सन इज अ एसएससी, ट्रू और फॉल्स? जल्दी जल्दी बोलो। एवरी पर्सन इज अ एसएससी, फॉल्स? बिकॉज हो सकता है विजय का इनकम 250,000 से ऊपर जा ही नहीं रहा हो। इफ ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स, ही इज ओनली पर्सन। यस, एवरी असेसी इज अ पर्सन, ट्रू, बिकॉज असेसी का डेफिनेशन ही कहां से शुरू हो रहा, ही इज अ पर्सन। असेसी का डेफिनेशन ही कहां से शुरू हो रहा, दैट ही इज अ, बोलो बेटा, ही इज अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और अदर सम इज पेएबल एंड इंक्लूड्स। अच्छा, अब इसके आगे के वर्ड्स और तरीके से इंक्लूड हुए। आप क्लबिंग प्रोविजन को तो समझते ही हैं कि इनकम बिलोंग किसी और को करती है, वो थर्ड पार्टी को रूट कर देता है। एओ जब भी असेसमेंट होता है ये इनकम को आपके हाथ में इंक्लूड कर देगा, और इसे हम कहते हैं क्लबिंग प्रोविजन। सेक्शन 60 से 64 में डील करती है। यस और नो, इंटर में आपने पढ़ा था। अब मुझे एक बात बताइए, हुआ क्या, एक दिन एक असेसमेंट के दौरान एओ ने इनकम क्लब कर दी और लाइबिलिटी अराइज कर दी। एसएससी ने ऑब्जेक्ट कर दिया। एसएससी कहता है, एक मिनट सर, I am responsible for my liability. I am not responsible for others' liability. असेसी की डेफिनेशन में आपने लिखा है a person means a person by whom any tax is payable. I am responsible for my tax. I am not responsible for other tax. असेसी के एओ कहता है, ए भाई एक मिनट, क्लबिंग प्रोविजन का नाम सुना है? क्लबिंग प्रोविजन के तहत इनकम तेरे में इंक्लूड होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं फैन हूं आपका, इनकम इंक्लूड होती है।
टैक्स भी निकलेगा, मैं टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है सर। आपने लिखा ही कहा है एसएस इज लायबल टू बी, ही इज ऑल्सो लायबल फॉर इंक्लूजन ऑफ अदर्स इनकम और लॉस। याद होगा तो क्लबिंग में दोनों चीज होती है, प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। मतलब मेरे को कहा है भाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर हारा। क्या आना चाहिए था, अमेंडमेंट वर्ड्स ऐड हो गए, एंड इंक्लूड एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग हैज बीन टेकन फॉर असेसमेंट ऑफ हिज इनकम और असेसमेंट ऑफ फ्रिंज बेनिफिट और इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज एसेसिबल। तो क्लबिंग प्रोविजन के तहत भी अगर आपको कोई टैक्स पेबिलिटी आती है तो आपको नोटिस भेज करके असेसी मान करके क्या किया जा सकता है, टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। एंड इंक्लूड्स और एनी रिफंड इज ड्यू टू हिम एंड इंक्लूड्स, ध्यान से सुनिएगा, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी असेसी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी असेसी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, एक्ट के प्रोविजन में अगर कोई डीम्ड असेसी है तो। अभी डीम्ड असेसी नाम का कॉन्सेप्ट क्या होता है जरा समझिएगा सर। हुआ ये कि अब जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल जुडिडिकल पर्सन जिसको हम कहते हैं, आर्टिफिशियल जुडिडिकल पर्सन कंपनी, इस केस में नोटिस कंपनी को भेजा, असेसमेंट हुआ कंपनी को नोटिस भेजा बराबर, टू अटेंड द ऑफिस ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब हुआ क्या, कंपनी से कोई गया ही नहीं, कंपनी से कोई गया नहीं। एओज ने बोला, बोले आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, आप कंपनी के एमडी हैं, कैसे कर रहे हैं आप, मैंने आपको बुलाया और आप आए भी नहीं। उन्होंने कहा सर एक मिनट, आपने मुझे कहां बुलाया, आपने कंपनी को बुलाया, आप कंपनी नहीं आ सकती, इसमें मेरी क्या गलती है, कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन। हाँ आप कंपनी के बिहाफ पे मेरे को डीम असेसी करें तो मेरा आने का सेंस बनता है, आई एम नॉट डीम टू बी असेसी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, मैं कैसे कहूंगा। सेम चीज ट्रस्ट के केस में ट्रस्टियों ने बोल दिया, उन्होंने बोला आप ट्रस्ट को बुलाइए, तिरुमला तिरुपति देवस्थान ट्रस्ट ट्रस्ट को बुलाइए, हम कहां से आएंगे। तब लॉ को समझ में आया कि इंटरप्रिटेशन मैटर्स, अगर उसने हाई एच आई लिखा तो इंटरप्रिटेशन अलग है, एच आई आई लिखा तो इंटरप्रिटेशन अलग है, एच आई आई ई लिखा तो इंटरप्रिटेशन अलग है। समझ रहे हो बात को, लाइफ में इंटरप्रिटेशन बदल जाते हैं इन तीनों मैसेजेस से, कहना क्या चाहते हैं। अब पॉइंट क्या हुआ, डीम टू बी एसएससी नाम का कॉन्सेप्ट ऐड करना पड़ा, और यहां पे डीम टू बी एसएससी के एग्जांपल्स क्या हो गए, कंपनी के डायरेक्टर हो गए, फर्म के पार्टनर हो गए, किसी एओपी बीओआई के क्या बन गए, मेंबर बन गए। आर यू गेटिंग द पॉइंट, एवरी पर्सन हु इज डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट, एवरी पर्सन हु इज डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट, एवरी पर्सन हु इज डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट। नाउ अंडरस्टैंड कीजिएगा इसका मीनिंग क्या है। सपोज करिए, चलिए ऑफिस का एक रूल बताता हूं, क्लैरिटी मजेदार आएगी। मुझे बताइए, सपोज विजय टोटल इनकम इज 240,000 बराबर है, एंड विजय एक प्रॉपर्टी ले रहा है, राइट, विजय एक प्रॉपर्टी ले रहा है एक्सीडिंग रुपीज 50 lakh, इज विजय सब्जेक्ट टू टीडीएस, आंसर इज यस, सेक्शन 194 सेक्शन 194 IA, 50 लाख के ऊपर की अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं 1% का आपको टीडीएस करना पड़ेगा, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताइए, इस विजय एसएससी, विजय की इनकम 240,000 है, अब ऊपर से नीचे तक डेफिनेशन पढ़ते हैं, इज ही लायबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम अंडर द एक्ट, आंसर इज नो, यस। दूसरा, इज ही लायबल फॉर एनी अदर इनकम, आंसर इज नो, इज ही डीम्ड टू बी एसएससी, आंसर इज नो। अब मैंने टीडीएस डिडक्ट किया ही नहीं, डिपार्टमेंट ने मेरे को नोटिस भेज दिया, बोले भाई तूने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, पकड़ पे कर इंटरेस्ट। मैंने कहा ऐसा नहीं कर पाओगे सर आप। उसने कहा क्यों नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है। आज तुम्हें पता है इनकम टैक्स रिटर्न की इतनी वैल्यू नहीं है जितने टीडीएस की वैल्यू है, बहुत इंटरेस्ट लगता है। तो भाई साहब आप समझ लीजिए बात को, सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, मेरे को असेसी तो बनाओ नोटिस भेजने के लिए, मेरे पे असेसमेंट करने के लिए पहले असेसी तो बनाओ, आपके लॉ में ही लिखा है मैं असेसी होना चाहिए, आपके लॉ के तहत तो मैं असेसी है ही नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में आया भाई हमसे हो गई है चूक, हमसे क्या हो गई है चूक। उनने क्या किया, लास्ट वर्ड ऐड किया, अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी असेसी इन
डिफॉल्ट, ही इज डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट. सो अगर आप इनकम टैक्स में कहीं पर डिफॉल्ट में भी माने जाते हैं और आप ऊपर के क्राइटेरिया में नहीं आ रहे, स्टिल यू विल बी ट्रीटेड एज असेसी एंड आपके ऊपर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी प्रोविजन अप्लाई किए जा सकते हैं. गेटिंग मालिक? चलो एसएससी का डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे. सेक्शन 2 सबसेक्शन, बोलो बेटा, 7 असेसी. Every person who is liable to pay tax or any other sum under the Act or in respect of other person, he is accessible. Assessee being deemed to be assessee. Or assessee in default. For example, TDS not deducted. For example, director, partner, etc. डन है जी? प्लीज मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है. डन, आ जाओ सेक्शन नंबर 4 की डेफिनेशन पे वापस चलते हैं. इनकम टैक्सेस पेबल, कब पेबल है? असेसमेंट ईयर में, उस रेट पे जो फाइनेंस एक्ट के अंदर में लिखे हुए हैं. इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन प्रीवियस ईयर. आई गेस एक एक वर्ड तोड़ चुके हैं हम. इनकम टैक्स, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पर्सन, पर्सन के साथ साथ एक और वर्ड जोड़ दिया, असेसी, प्रीवियस ईयर जोड़ दिया, टोटल इनकम जोड़ दिया. चलिए क्विक रिवाइज कीजिए. टोटल इनकम मतलब ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन. हाँ या हाँ? यस. चलो अब आ जाते हैं हम रेट स्पेसिफाइड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट, द रेट ऑफ इनकम टैक्स. यस, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ इनकम टैक्स. मुझे एक बात बताइए, दो ढाई साल तो मिनिमम हो गए ऑन पेपर लेके किसी की इनकम लेकर के ईमानदारी से कैलकुलेट किया हुआ. पहले कुछ रफ सवाल पूछ रहा हूं, जज नहीं कर रहा हूं, बस पूछ रहा हूं. ठीक है, सरचार्ज पहले लगता है या एचईसी? सरचार्ज, रिबेट और सरचार्ज पहले क्या लगता? चलो कुछ तो याद है कि दोनों में से एक ही लगेगा. अगर गलत जवाब दे देते ईमानदारी से बॉटल फेंक के मारता कि नहीं पहले ये लगेगा. अच्छा मुझे एक बात बताओ, रिबेट और एचईसी में पहले क्या होगा? रिबेट लगाया तो एचईसी लगेगा ही नहीं. गलत है, आप गलत हैं, क्योंकि रिबेट 112 में से नहीं मिलता. तो उस केस में आएगा एचईसी पहले लगेगा, रिबेट बाद में आएगा. लेस हो गए, नील पे आ जाएगा. ठीक है, तो जो हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं क्या कहना चाहते हैं, इनका क्या कहना है, हम वो भी देख लेते हैं. ये लोग कुछ बोल नहीं रहे अभी तक के. अच्छा मेरे को एक बात समझाइए, इफ माय इनकम एक्सीड 50 लाख, व्हाट इज द सरचार्ज?
10%. If my income exceed 1 crore, what is the surcharge? If my income exceed, let's say, 2 crores, 25. And above 5 crore, 37. Yes? Achha, is client directly opting for 115 BAC? Or we first check ki uska beneficial kya hai? So we first check uske liye beneficial kya hai? Bahut badhiya. Yahan tak ke to aap bahut sahi ja rahe hain. Special rate of tax jo hai, kuch yaad aata hai? Short term? 20%? Short term 20% hai, yehi sabse pehle question mark hai. Agar short term sirf short term hai, there is no 111A, to normal slab rate. Agar wo 111A ke andar mein hai, to 15%. Agar wo 112 mein hai, to long term capital gain under 112, 20%. 112 way beyond 1 lakh, 10%. Yaad aa rahega kuch? Yes? Achha, lottery income 30%. Barabar hai? Itna bas kaafi hai. आपको थोड़ा बहुत बेसिक याद करने के लिए. चलिए, रिबेट हर एसएससी को मिलता है. अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं. रिबेट हर एसएससी को मिलता है कि सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलता है? इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलता है. ओके, सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है. समझ रहे हैं आप गड़बड़ क्या है? तो जितने भी लोग अभी ये डेमो ही देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्लास लगाना या नहीं, मैंने तो 3 साल आर्टिकलशिप किए डीटी में, प्लीज इस मिसकंसेप्शन में मत रहो. बिलीव मी, टैक्स कैलकुलेशन भी तुम्हारे को जमता रहेगा ना, आगे के प्रोविजन इतने डेंजर है कि तुम पढ़ ही नहीं सकते अनलेस एंड अंटिल तुमने उसको मतलब ईमानदारी से सॉल्व किया है. एंड सॉल्विंग इज द की किसी भी जगह पे. अब जरा समझिए. अच्छा, नॉन रेसिडेंट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर रिबेट? ट्रू फॉल्स? फॉल्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि नॉन रेसिडेंट को रिबेट नहीं मिलता. रिबेट तभी मिलता है व्हेन द इनकम डज नॉट एक्सीड. रिबेट इज अवेलेबल इफ द इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख्स. याद आ रहा है? ये अब इंक्रीज हो गई है, 7.5 कर दी गई, वो भी इसी बजट से की गई है, तो वही अमेंडमेंट है. सपोज करिए कुछ याद आता है तो बताइएगा. इफ आई कैनॉट एब्जॉर्व माई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड आई हैव स्पेशल इनकम, वेदर दैट स्पेशल इनकम विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट? यस और नो? यस, बिल्कुल एडजस्ट होगा. बस इतने पॉइंट आपको ध्यान में रखने थे जो बहुत जरूरत की थी. अब मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके चलता हूँ और थोड़े से फैक्ट्स में लेके चलता हूँ, ठीक है? रजिस्टर में ये लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ. सबसे पहले रेट ऑफ टैक्स की बात की जाए. इनकम टैक्स में दो तरीके के रेट है, एक है बेटा नॉर्मल रेट और दूसरा है बेटा स्पेशल रेट. इनकम टैक्स में दो तरीके के रेट है, एक है नॉर्मल रेट और दूसरा है स्पेशल रेट. दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में रेगुलरिटी का डिफरेंस है मेनली. जो स्पेशल इनकम है, दे आर नॉट जनरली अराइजिंग इन एवरी ईयर, वेर एज द अदर इनकम्स डू जनरली अराइज एवरी ईयर. यस, अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. क्या आप जानते हैं कि जो स्पेशल रेट ऑफ इनकम टैक्स है, दीज आर मेंशनड इन इनकम टैक्स एक्ट ओनली, ये फाइनेंस एक्ट से नहीं आते. तो जो आपने सेक्शन नंबर 4 में पढ़ा है ना, द रेट आर मेंशनड इन फाइनेंस एक्ट, दे आर नॉट स्पेशल रेट, बिकॉज स्पेशल रेट्स आर ऑलरेडी मेंशनड इन इनकम टैक्स व्हिच जनरली डू नॉट चेंज. सर, क्या आप एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A जो है, ये 15%. अब 111A इज अ पर्टिकुलर सेक्शन व्हिच इज मेंशनड इन इनकम टैक्स, यस और नो? देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, 20%. दिस इज अ स्पेशल रेट मेंशनड इन इनकम टैक्स. देन सेक्शन 115 डबल बी स्पेशल इनकम बीइंग द कैजुअल इनकम, दीज आर टैक्सेबल एट द रेट ऑफ व्हाट, 30%. तो स्पेशल रेट्स एक्ट में मेंशनड है. नॉर्मल रेट्स कहाँ मेंशनड है? नॉर्मल रेट्स शेड्यूल टू फाइनेंस एक्ट में लिखा होता है. ये एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू है, इसके ऊपर आपको टेस्ट किया जाता है. ये एमसीक्यू है,
डन। अच्छा मन में एक सवाल आता होगा, सवाल यह है कि टीडीएस रेट कहां मेंशन होते हैं? एक्ट में मेंशन होते हैं। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, ये भी यही मेंशन होते हैं, शेड्यूल टू फाइनेंस एक्ट। तो शेड्यूल टू फाइनेंस एक्ट शेड्यूल वन एंड शेड्यूल टू टैक्स रेट्स देता है एंड टीडीएस रेट्स देता है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड टैक्स रेट एंड टीडीएस टीसीएस रेट्स। डन है जी, चलो आ जाओ। सो देर आर टू रेट्स ऑफ इनकम टैक्स, एक नॉर्मल रेट और ये स्पेशल रेट। नाउ मैं फर्दर क्लासिफाई करता हूं, अब चलता हूं मैं थोड़ी सी हिस्ट्री पे। हिस्ट्री समझिए तो आपको आगे के बेसिस बड़े क्लियर हो जाएंगे। 2014 मोदी जी पावर में आते हैं, एनडी गवर्नमेंट पावर में आती है और एक उस टाइम का सिचुएशन चलता है, आपकी बार मोदी सरकार। सिचुएशन आगे बढ़ी, इसके बाद क्या हुआ जरा समझिए। वन ऑफ द एजेंडा इन 2014 दे हैव कमिटेड इज रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट इन यू नो टैक्स रेट्स ऑफ कंपनीज, टैक्स रेट्स ऑफ फर्म। ये एजेंडा में हमेशा से था। तो कुछ हुआ यूं कि 2014 में पावर आने के बावजूद, पावर में आते ही इन्होंने क्या किया, बेसिक स्लैब रेट्स को तो चेंज नहीं किया पर रिबेट नाम का कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल्स के लिए लेके आ गया, विच गिव्स अ बिग रिलीफ टू इंडिविजुअल्स। पर कंपनी और फर्म्स के लिए इन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इनने फर्म्स के लिए कुछ किया ही नहीं, राइट? कोऑपरेटिव्स के लिए कुछ किया ही नहीं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कंपनी के टैक्सेस कम कर दिए। जो कंपनी का टैक्स रेट था इन्होंने 30% से 29% पे लेकर के आ गया एंड दे यू नो कमिटेड कि हम अगले 5 साल बाय 2019 इसको 25% पे लेके आ जाएंगे। सो इट वॉज अ कमिटमेंट इन 2014 कि 2019 तक के हम क्या करेंगे, टैक्स को लेकर के आ जाएंगे 25% से, हर साल 1% का रिडक्शन होगा। 2015 टैक्स रेट ऑफ द कंपनी केम टू 29%। एवरी कंपनी वॉज हैप्पी बिकॉज कंपनी लाइक पतंजलि, कंपनी लाइक यू नो विप्रो विच हैज 1% ऑल्सो हैज इम्पैक्ट इन करोड्स। सो ये बड़ी खुश हो गई, ये कंपनीज बड़ी खुश हो गई और अगले सालों के लिए एक्सपेक्ट करने लग गई कि टैक्स रेट क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, बराबर है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि इस 1% से भी भारत के टैक्स अमाउंट पे, टैक्स कलेक्शन पे बहुत बड़ा फर्क पड़ गया और अगले 2 साल द देन अरुण जेटली सर ने टैक्स रिड्यूस ही नहीं किया। 3 साल बाद विपक्ष के यू नो यंगेस्ट नेता ने एक सवाल उठाया। वन डे आई वेक अप एट नाइट, आपने कमिट किया था टैक्स रेट कम करेंगे, ये गलत है। उधर से दीदी चिल्लाई, एट चौल बे ना, तुम बोला था टैक्स रेट कम करेगा, किधर है टैक्स रेट? ऊपर से हमारे मफलर वाले बाबा भी चिल्लाए, गलत है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उधर हैदराबाद से, तेलंगाना से भी कुछ लोग चिल्लाए, मोदी जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है मोदी जी। सब अपना अपना चिल्लाए, सबने अपना अपना रोल प्ले किया, पॉलिटिक्स है, सब अपना अपना रोल प्ले करते विपक्ष का। इनको समझ में आया कि यार ये लोगों को स्कीम समझ आ गई कि हम टैक्स रेट कम नहीं कर रहे। इन्होंने क्या किया, अब एक कंसेप्ट लेके आया। कंसेप्ट क्या था कि हमने बोला था हम कितना परसेंट लेंगे, 25%। 2016-17 में आके ये कहते हैं, स्पेसिफिकली 17 में, कि अगर किसी का टर्नओवर इन 2016 डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ तो टैक्स रेट 25%, अदरवाइज टैक्स रेट 30%। सारी बड़ी कंपनीज मस्त मस्त, मतलब हमको 25% का गाजर दिखाया और टर्नओवर कितने का दे दिया, 50 करोड़। 50 करोड़ कोई टर्नओवर है? अरे भाई इंट्राडे ट्रेडर का टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर चल जाता। मैं टर्नओवर की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट की नहीं, इंट्राडे ट्रेडर का 50 करोड़ के ऊपर चल जाता, क्या बात कर रहे हो यार। तो उन्होंने बोला रुको जरा, सबर करो, आएगा। अगले साल आया 2019, इनने कहा 2017 में अगर किसी का टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर नहीं जा रहा तो 25%, अदरवाइज 30%। अब यहां पे बहुत सारी कंपनीज को बेनिफिट मिल गया, जो कमिटमेंट थे वो पूरे हुए। 2019 में फिर इलेक्शन था, जो कमिटमेंट थे वो पूरे हुए। 2019 में इनने फिर कमिट किया कि हम कंपनी के टैक्स रेट को 15% पे उतार देंगे। अब इस बार कंपनी सोचने लगी, साला ये करेगा क्या, पक्का करेगा?
अब सोचने लगा यार देखो यार बाकी सबके लिए तो किया है, अब कुछ बड़ी कंपनीज आज भी इस ब्रैकेट से बाहर थी, क्योंकि 250 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनीज जो इनके करीबी माने जाते हैं मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से, उनको तो कोई बेनिफिट हो ही नहीं रहा था, वो तो स्टिल 30% दे रहे थे। ये सुनो, 2019 एक ऐसा ईयर जब COVID-19 का सिचुएशन भी आ गया, इलेक्शन भी आ गया, और तीसरी जरूरी बात ये हो गई कि एक इकोनॉमिक स्लोडाउन आ गया। इकोनॉमिक स्लोडाउन क्यों? क्योंकि 2016 में नोटबंदी हुई, 2017 में GST आ गया, फिर ट्रिपल तलाक एंड अदर इश्यूज आ गए, तो बहुत सारी चीजें इकोनॉमिक स्लोडाउन के अंदर में चले गई। इंडिया ने क्या कर दिया, ईवीज के लिए अप्रूवल दे दिया, तो इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर में स्लोडाउन आ गया, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी में स्लोडाउन आ गया। 2019 स्पेशल ऑर्डिनेंस पास किया जाता है, कुछ याद आ रहा है ऑर्डिनेंस दो सालों में पास हुआ है 2019-2020 पार्लियामेंट जब सेशन में ना हो तो प्रेसिडेंट कैन प्रमोलगेट एन ऑर्डिनेंस। 2019 में ऑर्डिनेंस पास करके इन्होंने अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम लेकर के आया। ये जो अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है ये हमने यूएसए से इंस्पायर हुए, कॉपीज द राइट वर्ड, हम इंस्पायर हो गए उनसे, और इनसे इंस्पायर होकर हमने अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम लाया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम? ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम यूएसए का एक कॉन्सेप्ट है जहां पे आप सिचुएशन वन यू टेक मैक्सिमम डिडक्शन एंड एग्जम्पशन फॉर विच यू आर एलिजिबल एंड पे द टैक्स एट हायर रेट। सो यू क्लेम डिडक्शन एंड एग्जम्पशन एंड यू पे द टैक्स एट हायर रेट, और सर्टन डिडक्शन एंड एग्जम्पशन वी विल क्लियरली नोटिफाई यू डोंट टेक दिस डिडक्शन एंड एग्जम्पशन एंड पे द टैक्स एट लोअर रेट। तो ये अब तुम्हारे पास ऑप्शन है। मतलब जितने लोग 2019 तक के चिल्ला रहे थे इनकम टैक्स कम करो महंगाई बढ़ रही है, इनकम टैक्स कम करो महंगाई बढ़ रही है, निर्मला सीतारमण जी प्लेड अ फैंटास्टिक कार्ड। उन्होंने बोला आप डिसाइड कर लो करना क्या है, और एडवर्टीजमेंट क्या हुआ, टैक्स रेट कम हुई, बट दिस वॉज एन ऑप्शन विच यू नीड टू डिसाइड बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। यस, कंपनीज के लिए 15% लाके रख दिया, ऑनेस्टली जो कंपनी स्टार्टअप्स में थी। अगर आप मैन्युफैक्चर अदर डोमेस्टिक कंपनी, आपका टैक्स रेट 22% पे लाके रख दिया। कंपनीज एक्सट्रीमली खुश थी, रीजन क्या था, कमिट से 25 का किया था लेके 22 पे आ गए, हालांकि इफेक्टिव टैक्स रेट तो 25 ही आता है, बट हाँ 22 पे लेके आ गए। मार्केटिंग तो उसी तरीके से हुई, आप तो जानते हैं मार्केटिंग। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि 2019 के बाद 2020 में क्या किया गया, इंडिविजुअल के लिए भी ये स्कीम लाई गई। उसी के बाद हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी ये स्कीम लेकर के आए। अन ऑप्शनल टैक्स स्कीम अब भारत के इंटीग्रल टैक्स का एक पार्ट बन गया। तो ये था इसका हिस्ट्री, ये कहां से आया। अब आते हैं इसके आगे। 2019-20 मेजरली पूरा इंडिया बंद था, तो इनकम टैक्स बहुत ज्यादा कलेक्ट नहीं हुआ। 2021 वाज द ईयर जहां से हम वापस से इकोनॉमिक रिकवरी के अंदर में आए, और यहां से क्या हुआ, रिटर्न भरने चालू हुए। मेनी पीपल ऑप्टेड फॉर द न्यू टैक्स स्कीम which also gave benefit to them as well, उनको भी बहुत बड़ा benefit हुआ। 2022-23 which is now we are working for that in offices, इसका भी बहुत बड़ा impact आया। Finance Act 2023 बड़ा change लेके आया। अब तक क्या होता था, normal tax calculation होते थे और ये optional होता था, 115 BAC BAD इन्होंने swipe कर दिया। अब 115 BAC इज अ नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन और ये ऑप्शनल बन गया। मतलब ट्रेडिशनली जो आप टैक्स इंटर से पढ़ के आए हैं, अब वो पूरा इंटरचेंज हो गया। अब 115 BAC BAD मतलब अगर आपको टैक्स कैलकुलेट करने बोला तो आप 115 BAC BAD के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, राइट? अगर प्रॉब्लम क्लियर कट स्पेसिफाई करे कि हम ये ऑप्ट नहीं कर रहे, तो ही आप कहां आएंगे, नॉर्मल टैक्स लैब्स में आएंगे। मतलब ऑनेस्टली सीए स्टूडेंट की क्या गलती थी, तुमने तो दोनों उसके सिलेबस में डाल दिया। मतलब पहली बात तो बेचारा न्यू सिलेबस की तलवार उसके ऊपर चली रही थी, खैर ये तलवार नहीं थी उसके लिए, तो एक बहुत बड़ा फ्री जोन मिला उसको तो, बट पहले उसको इस बात का स्ट्रेस था ही। इनकम टैक्स में तुमने क्या बदला, इनकम टैक्स में उसको जितना टैक्स आता था वो ही तुमने ऑप्शन में डाल दिया। समझ में आ रहा है क्या एग्जैक्टली हुआ क्या? तुम बचपन से ABCD पढ़ते आए हो, बराबर है? अब तुम्हें मिर्जापुर में बताया जा रहा है बेटा क ख ग घ बोलो।
ABCD तो तुमको आता ही है, मिर्जापुर में आना है क ख ग ग बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने डायरेक्ट फ्लिप मार दिया, उन्होंने बोला भैया 115 बीएससी बीएडी बीएए बीए भी अब आपका नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन है, अगर प्रॉब्लम आपको टैक्स निकालने बोले आपको इस तरीके से टैक्स निकालना है, एंड अगर आपको प्रॉब्लम में क्लियर लिख के दिया जाए कि भैया ये ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर रहे तो ही आपको इस तरीके के टैक्स कैलकुलेशन में आना है। यस बट माई फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले नॉर्मल टैक्स ही कैलकुलेट करना सीखना चाहिए। एक बार वो प्रैक्टिस में आ गया तो आप 115 बीएसी आराम से प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ पहले आप वो रिफ्रेश कर लो जो आपने पढ़ा है और फिर आप नए पे जाओ जिसको आपको सीखना है, क्योंकि उसमें सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है। ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम में सिर्फ दो चीज़ें चैलेंज है, पहला चैलेंज कौन से डिडक्शन मेरे को नहीं लेना है, इट्स अ चैलेंज, और दूसरा चैलेंज ये है कि उसके स्लैब रेट याद रखने हैं। हालांकि वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, बिकॉज विद एन इंक्रीज ऑफ इनकम ऑफ 2.5 लाख द टैक्स रेट इंक्रीज बाय 5%, तो वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना बड़ा चैलेंज फर्स्ट चैलेंज है। तो इस क्लास को कंसिडर करते हुए, राइट, आपके पास्ट को कंसिडर करते हुए मैं सबसे पहले आपको नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम में। जितने भी टैक्स कैलकुलेशन मैं बताऊंगा आप मेरे साथ लिखेंगे और जैसे बताऊंगा बिल्कुल उसी तरीके से आप लिखेंगे, राइट। For the purpose of 24 exam, you are doing CA, CS, CMA irrelevant. आपको अगर टैक्स बोला तो यू हैव टू गो थ्रू 105 ऑप्शनल टैक्स स्कीम जो थी, अब वो मैंडेटरी टैक्स स्कीम हो गई है, एंड ओल्ड टैक्स कैलकुलेशन अब आपकी ऑप्शनल टैक्स स्कीम बन गई है। क्लियर है मालिक की चीज? चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ओल्ड टैक्स स्कीम पढ़ेंगे। आपके नोट्स भी बिल्कुल इसी तरीके से डेवलप किए हुए हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ओल्ड टैक्स स्कीम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं चाहता हूँ अब आप एक डबल पेज ले लें। अगर आपका कोई सिंगल पेज छूट रहा होगा उसे छोड़ दो, डोंट वरी, एक ही चार्ट बना के देता हूँ कॉम्प्रिहेंसिव। बनाना कैसे, ध्यान से सुनो, आपके चार पाँच पेज अवॉइड हो जाएंगे। आपका जो एक सामने का सिंगल पेज छूटा है उसे छोड़ दो, हम नोट्स के लिए यूज़ कर लेंगे उसको, ठीक है। दूसरा, ये डबल पेज है, इसमें तीन फ्लो चार्ट बनी है, मतलब एग्जैक्टली एक ऊपर वाला पार्ट होगा जिसके अंदर में तीन पार्ट्स बनेंगे, ठीक है, इंडिविजुअल अप टू 60 टू 80 एंड अबव, और नीचे का जो स्पेस है वो नोट्स के लिए यूज़ होगा। इन टोटल छः नोट्स आएंगी, इन टोटल कितनी नोट्स आने वाली है, छः, राइट। तो इधर दो आएगी, पेज टर्न कीजिएगा वहाँ एक और नोट आएगी, समझ में आ रही है बात? वापस से बता दूँ, ठीक है, डबल पेज तीन पार्ट बनेंगे, उसके नीचे छः स्पेशल नोट आने वाली है, यहाँ दो और बची हुई इसके पीछे। जितने एग्जाम्पल लिखाऊंगा फिर नेक्स्ट पेज से आएंगे, और ये जो सिंगल पेज आपका छूट रहा है इसको एज इट इज छोड़ दो, कहीं और यूज हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, इस चार्ट को मेरे साथ बनाओ, एक लेफ्ट में, एक मिड में, एक सीधा राइट में। इंडिविजुअल रेसिडेंट बिलो 60, नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, HUF, AOP, BOI, AJP, स्पेशल केसेस। डन है? ध्यान से सुनिए, ये स्लैब रेट्स है, राइट, टैक्स रेट ओल्ड स्कीम, टैक्स रेट ओल्ड स्कीम। इफ यू कैरिंग अ हाईलाइटर प्लीज हाईलाइट द ओल्ड स्कीम कॉन्सेप्ट। इंडिविजुअल बिलो 60, नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, HUF, AOP, BOI, AJP, यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं इनकम, यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं परसेंटेज, यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं शॉर्टकट। मैंने आपको बोला था कि कैलकुलेटर साथ में कैरी करना, आई एम श्योर आप कैलकुलेटर कैरी कर रहे होंगे। यहाँ पे लिखे टोटल इनकम परसेंटेज, टोटल इनकम अप टू 2,50,000 -। तो अगर आपकी साल भर की इनकम फ्रॉम ऑल दी हेड्स,
अगर आपकी साल भर की इनकम फ्रॉम ऑल द हेड्स कितनी आ रही है मालिक, 2,50,000 आ रही है, कोई टैक्स आपको नहीं देना। 2,50,000 वन टू 5,00,000 5%, 12,500। फाइव लैख वन टू 10,00,000 20%, 1,12,500। अबाउ 10,00,000 30%। देन लेट्स सी, हम बात कर रहे हैं टोटल इनकम जो साल भर में कमाई गई है, ठीक है। टोटल इनकम जो साल भर में कमाई गई है अगर वो 2,50,000 तक है, आपको कोई टैक्स नहीं देना। 2,50,000 से जैसे ही आप ऊपर जाते हैं वैसे ही 5%, कुछ याद दिला दूं, देखिए जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है द टैक्स रेट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विच ऑल्सो डिनोट्स द प्रोग्रेसिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। अच्छा जी सर, इस पार्ट पे आते हैं। 2,50,000 से 5,00,000 तक के द टैक्स रेट इज 5%, दैट मींस इट इज अ स्लैब। अप टू 2,50,000 देयर इज नो टैक्स एट ऑल, अबाउट 2,50,000 यस एचईसी सॉरी द टैक्स रेट इज 5%, द टैक्स रेट इज 5%। नीचे आइए, यहां डालिए नोट्स, नोट्स नंबर 1, टैक्स शैल बी इंक्रीज्ड बाय HEC at the rate of 4%. Tax shall be increased by HEC at the rate of 4%. Done. चलिए understand कीजिए, tax को increase करना है 4% से, tax को increase करना है 4%, 4% of what? 4% of income or 4% of tax? वेरी गुड, 4% ऑफ टैक्स, बराबर है 4% ऑफ टैक्स, नॉट ऑफ इनकम। यहाँ पे लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1, याद रखें आप चार्ट बना रहे हैं लेफ्ट पेज खाली छोड़ देना है, पेज टर्न करो, लेफ्ट पेज खाली छोड़ दो, राइट से एग्जाम्पल बनाना, ठीक है। इस चार्ट का पेज टर्न करो, लेफ्ट पेज पूरा खाली छोड़ दो, राइट, और उसके बाद के नेक्स्ट पेज में आपने क्वेश्चन बनाना है। जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ, जब सेल्फ स्टडी करोगे पूरा सब कुछ ध्यान में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, टैक्स एंड HEC। मैं इस अजम्पशन के साथ पढ़ा रहा हूँ कि तुमको कुछ नहीं आ रहा, अज्यूम कर लो तुम्हारा टोटल इनकम, यू आर इंडिविजुअल, यू आर रेसिडेंट, तुम्हारा टोटल इनकम पहुँच रहा है लेट से 4,20,000। अभी हम रिबेट कंसिडर नहीं कर रहे, मैं जीरो से तुम्हें टैक्स कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं, सिर्फ टैक्स निकालो विदाउट रिबेट। अब मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम क्या है। The problem is not you will not get answer, you are in final, come on, you will get answer. The problem is presentation of answer. आप 2 मिनट में जवाब निकाल दोगे मेरे को पता है, but the problem is presentation, इसको present कैसे करना है, that is where real student lack. Understand? इसको सबसे पहले रुपीज में डालो, इसको मस्त ऐसा डालो, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि क्लाइंट को एक्सेल बना के दे रहे हो तो बाउंड्रीज बना के देनी पड़ेगी। नाउ यू अंडरस्टैंड इट इन एक्सेल वे। अब बताइए इसमें से क्या माइनस करेंगे, यू विल रिड्यूस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, से यस द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड 2,50,000 व्हाट इज बैलेंस। नाउ प्लीज एक गलती मत करना बैलेंस को बेल लिखने की, यहां इसके मार्क्स कटते हैं, बराबर। इसके बाद में टैक्स रेट, टैक्स रेट कितने परसेंट के हिसाब से बोल बेटा, 5% इंटू 5% कितना आया 8,500। क्या ऐड करेंगे बेटा इसमें, HEC एट द रेट ऑफ 4% इंटू 4% ऐड कर दिया 340,
यस टोटल बन गया, बोलो जल्दी से, 8840। इस प्रॉब्लम को यू नो थोड़ा सा ज़्यादा रेलेवेंट बनाने के लिए हम इसको आर की जगह एनआर लिख देते हैं, मतलब रिबेट वैसे भी नहीं आता उसमें। समझ में आया? सो टैक्स का 4% इज HEC। सर प्रॉब्लम में बोला हो नहीं बोला हो, व्हेन दे आस्क यू टू कैलकुलेट टैक्स आपको HEC बाय डिफॉल्ट में लगाना है। समझ में आई बात? अच्छा जी सर, दूसरा दूसरा द सेकेंड कंसेप्ट इज रिबेट अंडर सेक्शन 87A। द रिबेट अंडर सेक्शन 87A, चार्ट में वापस आइए। असेसी शुड बी इंडिविजुअल, ही शुड बी रेसिडेंट, टोटल इनकम ब्रैकेट में लिखिए नॉर्मल प्लस स्पेशल एक्सक्लूडिंग एग्जम्प्ट इनकम डज नॉट एक्सीड 7,50,000। हेलो, दिस इज एन अमेंडमेंट, दिस इज एन अमेंडमेंट, डज नॉट एक्सीड 7 लाख, नॉट 7,50,000, डज नॉट एक्सीड 7 लाख। इज दिस डन? चलिए चेक कीजिए। पॉइंट नंबर वन, असेसी शुड बी इंडिविजुअल। सो इंडिविजुअल के अलावा ये किसी को मिलने वाला नहीं है। ही शुड बी रेसिडेंट, क्या होना चाहिए? रेसिडेंट, मतलब नॉन रेसिडेंट को रिबेट मिलने वाला नहीं है। ये बात बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी व्हेन यू सॉल्व द प्रॉब्लम। टोटल इनकम नॉर्मल प्लस स्पेशल, क्योंकि टोटल इनकम में दोनों इंक्लूड होते हैं, एक्सक्लूडिंग एग्जम्प्ट इनकम, क्योंकि एग्जम्प्ट इनकम काउंट होती नहीं, डज नॉट एक्सीड 7 लाख। अर्लियर दिस वॉज 5 लाख, फाइनेंस एक्ट 2023 से इसको क्या कर दिया गया है, 7 लाख कर दिया गया है। इफ ऑल ऑफ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड, इफ ऑल ऑफ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड, रिबेट इज इक्वल टू लोअर ऑफ ए 100% ऑफ टैक्स, बी बोलो बेटा बी 25,000। पहले ये 12,500 होता था, अब ये 25,000 तक के चले जा गया है। यस आ जाओ आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू सपोज कर लीजिए आपका टोटल इनकम, आप इंडिविजुअल हैं, आप रेसिडेंट हैं, आपका टोटल इनकम बन रहा है 6,92,000। अंडरस्टैंड, DT के पेपर में इसको डायरेक्टली टैक्स निल नहीं लिख के आना, आपको उसको बताना पड़ेगा कि टैक्स में से रिबेट कैसे माइनस हुआ, तो ये गलती मत करना। यस, इसमें से आप सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, सॉरी यस क्या
क्या आप इसमें से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट माइनस करेंगे या आपके पास कोई शॉर्टकट है डायरेक्ट टैक्स निकालने का? अंडरस्टैंड, आपके पास एक शॉर्टकट है. शॉर्टकट इज वेरी क्लियर. अप टू 5 लाख रुपीज योर टैक्स इज 12,500. कैसे चेक कर लो? कैसे चेक कर लो? 5 लाख माइनस 2,50,000 इंटू 5%, मतलब 12,500 तक का तो टैक्स फिक्स है. प्रेजेंटेशन को एनहांस करने के लिए आप यहां पे टैक्स लिख सकते हो. यहां पे लिख सकते हो अप टू 5 लाख या अप टू एन इनकम ऑफ 5 लाख द टैक्स विल कम टू 12,500. बैलेंस बचेगा 1,92,000. इस पे टैक्स आएगा 20%. टोटल आएगा 38,400. एवरीबॉडी बताओ टोटल टैक्स कितना आया? ₹50,900. बराबर ना? करेक्ट ना? फिर रिबेट अंडर सेक्शन 87 नहीं लगाओगे? लोअर ऑफ 100% ऑफ टैक्स और 25,000. यस और नो? अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में? HEC एट द रेट ऑफ 4%. Is this done? बताइए सर कितना? कितना मालिक? बराबर ना? सही निकाला है आपने. क्या लगता है? थोड़ा सा सोच के देख लो. जवाब अगर सही आ जाए तो जरा सोच के देखो क्या ये सही है क्या. पहले HEC फिर रिबेट, ठीक है? और कोई? बोलो क्या इस तरीके से कैलकुलेट हो सकता है? रिबेट मिलेगा ही नहीं. क्यों?
तो क्या तकलीफ है, हर इंडिविजुअल को रिबेट दे दो ना, 7 लाख से ऊपर तो जा ही नहीं रहा हो। आज एक होमवर्क दूं क्या? होमवर्क इज वेरी सिंपल, इस कैलकुलेशन को एक बार अपने ऑफिस में ट्राई करना है। मैं जानबूझ करके आपको ये दे रहा हूं, उसका रीजन समझाऊं। क्या ये जो इंटरप्रिटेशन आप निकाल रहे हो ये सही है या नहीं? क्योंकि जिसकी इनकम 115 BAC 1A के तहत आई है, इसकी 7 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अंडरस्टैंड दिस लॉ वेरी क्लियरली। मैक्सिमम लोग गलती क्या कर रहे हैं आपको पता है? और यही गलती सेम तुम लोग कर रहे हो। मैक्सिमम लोग गलती क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम लोग गलती ये कर रहे हैं दैट इफ द असेसीज इनकम, क्योंकि देखिए आज का जो एरा है, आज का एरा है सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया में क्या गलती होती है पता है? कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है ये आपकी सेम रखी गई है, एंड 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 आपका जो रिबेट है 5 लाख की जगह 7 लाख हो जाएगा। वो इसको एक्सप्लेन ही करना भूल गए कि ये 7 लाख हर एक के लिए नहीं है, ये 115 BAC के क्राइटेरिया में बैठे तो 7 लाख है। जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब क्या है, इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। क्योंकि रिबेट का जो क्राइटेरिया है ना, वो आज भी 5 लाख ही है। अगर आप 115 BAC में आते हैं तो ये आपके लिए कितना है, 7 लाख है। नहीं तो आज भी आपके लिए रिबेट का क्राइटेरिया कितना है, 5 लाख रुपए है। अंडरस्टैंड दिस, मैं आपको बड़ा सिंपल से एक पॉइंट समझाता हूं। मैंने आपको उस दिन भी बताया था और आज भी बताता हूं, रिबेट के लिए असेसी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल, ही शुड बी रेसिडेंट एंड हिज टोटल इनकम एज पर 115 BAC डज नॉट एक्सीड 7 लाख। अगर मेरी इनकम 115 BAC में मैं कैलकुलेट ही नहीं कर रहा, तो लॉजिकली क्या मैंने 7 लाख वाला रूल लगाना चाहिए? नहीं। ये है सोशल मीडिया का पेन प्रॉब्लम। उनने इस बात को अंडरस्टैंड ही नहीं किया और हर बच्चे को ये कह दिया या हर आदमी को ये कह दिया कि आपका रिबेट कहां पहुंच चुका है, बोलो जल्दी से, 7 लाख पे पहुंच चुका है, विच इज नॉट ट्रू। बिकॉज यहां पे क्लियर कट लिखा है, अगर उसकी इनकम 115 BAC से कैलकुलेट हुई है तो ये 7 लाख के क्राइटेरिया में आ रहा, नहीं तो ये 7 लाख के क्राइटेरिया में है ही नहीं। जिसका रियल इंटरप्रिटेशन ये है कि आप ये जो 7 लाख रुपीज यहां कंसिडर कर रहे हैं, ये 7 लाख रुपीज आप जो यहां पे कंसिडर कर रहे हैं, ये अंडर सेक्शन 115 BAC के क्राइटेरिया में है, विच इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मतलब ये जो 7 लाख रुपीज आपका क्राइटेरिया है, ये सिर्फ और सिर्फ 115 BAC के क्राइटेरिया में, अदरवाइज नहीं। तो प्लीज इस तरह की, अच्छा मैं आपको बताऊं, आई वॉज रियली सरप्राइज जब मैंने इसको कहां देखा, अलग अलग सोशल वेबसाइट्स पे भी देख लिया, दैट रिबेट इज व्हाट, 7 लाख। अरे रिबेट 7 लाख नहीं है, रिबेट को आज भी उतना ही रखा गया है। लेट मी टेल यू, आपको बड़ा सिंपल सा एक ही काम करना है, इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर। क्या आप जानते हैं इनकम टैक्स ने अपना एक खुद का टूल बनाया है, इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर, जिसमें वो टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। इतना गजब का इंटरप्रिटेशन है, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी ने नहीं पढ़ा वो बच्चा 100% गलती करेगा, जैसे कि तुम लोगों ने की, वो 100% गलती करेगा कि हाँ हाँ चलो 7 लाख रुपए हो गई है, ये 115 BAC के क्राइटेरिया में है, अदरवाइज नहीं। आज भी बाकी की लिमिट क्या है, पहले तुम्हें लॉ पढ़ाता हूं, इधर आओ। मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि भैया सबसे पहले क्या पढ़ो, कभी तुम्हारे डाउट हो तो सबसे पहले जाकर के एक्ट पढ़ो। लीजिए आपके सामने फाइनेंस एक्ट 2023, 87A, आपके सामने 87A ओपन कर रहा हूं, ये लीजिए 87A। जब आप 87A को पढ़ते हैं, पढ़िए आज भी लॉ क्या लिखा है, असेसी बीइंग इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 500,000 रुपीज, जिसका मतलब है 5 लाख, यस शेल बी एंटाइटल टू क्लेम डिडक्शन, और टोटल इनकम से मिलेगा कितना डिडक्शन मिलेगा, 100% और 12,500 विच एवर इज लेस। अब नीचे अमेंडमेंट हुआ है, उसमें एक प्रोविजो ऐड हुआ है। प्रोविजो क्या ऐड हुआ है, अगर आप अपनी इनकम 115 BAC से कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके लिए रिबेट कितना है, बोलो मालिक, 7 लाख का क्राइटेरिया। तो अगर मैंने आपसे ना कहा कि भैया
115 बीएसी ऑप्ट नहीं किया तो आपने यहां रिबेट देना ही नहीं चाहिए था। इसी बात को और प्रूव करते हुए देखिए बेटा, इंस्टीट्यूट बुलाती है मगर जाने का नहीं, इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तेरे को बताता हूं, इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर। इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर इज अ टूल विच इज गिवन बाय इनकम टैक्स। मैंने आपको वेबसाइट पहले दिन ही पढ़ना सिखा दी थी। इधर आइए, लीजिए, असेसमेंट ईयर इज 24-25 हम सबके लिए। लीजिए, हम इंडिविजुअल बोल देते हैं। क्या आप मेल, क्या है ये, आर यू ऑप्टिंग फॉर 115 बीएसी? मैंने कर दिया नो। बात समझना, मैंने क्या कर दिया, नो आई एम नॉट ऑप्टिंग फॉर 115 बीएसी। मेल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट सेलेक्ट कर देता हूँ। सैलरी एचपी में मैं इनकम नहीं डाल रहा क्योंकि वो फिर बाय डिफॉल्ट में स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेगा। मैं सीधा आकर के क्या कर देता हूँ, पीजीबीपी डाल देता हूँ, 6,92,000। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ लगाइए, क्या मेरे को मिलना चाहिए रिबेट? आंसर इज नो। जब तक मैं मेरी इनकम 115 बीएसी से कैलकुलेट ना कर दूं तब तक के मुझे 7 लाख नहीं रिबेट। आज भी कितना है, 5 लाख। सोशल मीडिया पे अंजना ओम कश्यप जी चिल्लाएंगी, रिबेट बढ़ गया। बोलना दीदी, ओ दीदी, ऐसा नहीं है, रिबेट आज भी 5 पे ही है। अब 692 के हिसाब से आपके सामने कैलकुलेशन देख लीजिए, 52,936 आ रहा है। चलो तुम तुम्हारा कैलकुलेटर उठाओ, मैच करके देखते हैं। 5 लाख तक के टैक्स क्या था बेटा, 12,500। 6,92,000 माइनस 5 लाख कितना होता है, 1,92,000 पे 20% प्लस 12,500, 50,900 प्लस 4% ऐड कर दीजिए। लीजिए, आपका आंसर इनकम टैक्स की वेबसाइट से मैच कर गया। मेरे बच्चे ने इंटरप्रिटेशन क्या सीखा, इंटरप्रिटेशन ये सीखा कि ये जो 7 लाख की लिमिट है ये किसके लिए है, 115 बीएसी में आए तो उनके लिए है, अदरवाइज रिबेट का नॉर्मल लिमिट चलेगा। मजा आया नहीं आया ये बताओ। पर मैं तुमको एक बात बताऊं, सिर्फ तुमको प्रोविजन पढ़ा के ये लॉ समझाने जाता ना, तुमको समझ नहीं आता गलती हुई कहां है। ईमानदारी से पहले आपको बताया कि आप कहां गड़बड़ कर रहे हो। सुनो, मजा आया क्या मालिक? अब लॉ को फिर से पढ़ो, रिबेट पढ़ते वक्त अब इस लॉ को फिर से पढ़ो। अगर असेसी इंडिविजुअल है, वो क्या है बेटा, रेसिडेंट है, टोटल इनकम 115 बीएसी के हिसाब से कितनी आ रही है, डू नॉट एक्सीड 7 लाख, तो रिबेट 25,000 और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज लोअर है। बराबर है, ध्यान से सुनिए, बाजू में लिखिए इफ, या यहां पे भी लिखिए, इफ इनकम इज कैलकुलेटेड एज पर नॉर्मल स्कीम ब्रैकेट में नॉट 115 बीएसी, रिबेट इज अवेलेबल इफ टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड, बोल बेटा, 5 लाख। सो रिबेट इज इक्वल टू लोअर ऑफ 100% ऑफ टैक्स और रुपीज 12,500। If this is done, यहाँ आइए प्रॉब्लम नंबर 2। बताइए क्या ये कैलकुलेशन एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। रीड द लॉ, रीड द लॉ। चलिए एक मिनट रुकिए, काटने से पहले 2 मिनट रुकिए। मैं अगर इसको यस कर देता हूं, यस आई एम ऑप्टिंग फॉर 115 बीएसी, अगर आप देखेंगे, इफ आई एम ऑप्टिंग फॉर 115 बीएसी, 7 लाख तक के तो टैक्स ही नहीं लगना, माय टैक्स विल बी 0, फिर वहां पे स्लैब रेट का कोई काम ही नहीं है। जनरली 115 बीएसी का स्लैब लिमिट चालू होता है 2,50,000 टू 5 लाख, 5 लाख टू 7.5 लाख। पर अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर जा ही नहीं रही है तो आपका टैक्स डायरेक्टली कितना आता है, 0। आपका टैक्स डायरेक्टली कितना आता है, 0। आर यू गेटिंग द पॉइंट?
एज इट इज. अगर हम 115 BAC को ऑप्ट कर लेते हैं, आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर जा ही नहीं रही है, आपका टैक्स ही क्या हो जाएगा, जीरो. तो ये भी जो कैलकुलेशन आपको दिया गया है, क्या ये भी कैलकुलेशन करेक्ट होने वाला है? आंसर इज नो. उस केस में भी आप स्लैब रेट के हिसाब से चल ही नहीं रहे, आपका सीधा टैक्स क्या होने वाला है, जीरो. यस. एग्जाम्पल नंबर 2.1, रिबेट प्लस टैक्स इफ नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC. रिबेट प्लस टैक्स इफ नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC. सपोज कीजिए हमारी टोटल इनकम है 6,92,000 रुपीज. अब निकालो क्या होना चाहिए. डोंट यू थिंक अब रिबेट मिलेगा ही नहीं, यानी हमें अप टू एन इनकम, कितनी इनकम बेटा, 5 लाख. हमारा जो टैक्स आएगा दैट विल कम टू 12,500. बैलेंस कितना बचेगा बेटा, 6,92,000 माइनस 5 लाख, दैट विल बिकेम 1,92,000. इस पे टैक्स रेट लगेगा कितने परसेंट बेटा, 20%. ये आएगा 20%, विच विल कम टू 38,400. आपका टोटल टैक्स कितना बैठेगा बेटा, 50,900. क्या रिबेट मिलेगा? नो. तो आपका टैक्स हो गया 50,900. इसमें अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में, एट द रेट ऑफ, बोलो बेटा, 4%, 2036. आपका टोटल आया 52,936, विच वी हैव ऑलरेडी टेस्टेड विथ इनकम टैक्स वेबसाइट. अगर आप मेरे जैसे एवरेज बच्चे हैं, लिख लीजिए, अगर आप 115 BAC ऑप्ट नहीं करते रिबेट के लिए आज भी 5 लाख ही कंसिडर होगा. ये आपकी पर्सनल नोट है, एग्जाम में ना लिख के आ जाना. यहां पे लिखिए और 52,940, राउंडिंग ऑफ. So, अगर आप 115 BAC ऑप्ट नहीं करते रिबेट के लिए, आज भी हमारे लिए 5 लाख ही कंसिडर होगा. समझ में आया? इधर जाइए नोट्स में. यहां पे हमने लिया इससे रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 2.1. यस ऑर नो? आइए अब इधर भी समझते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2.2, रिबेट प्लस टैक्स इफ ऑप्टेड फॉर 115 BAC. चलो टोटल इनकम इज 6,92,000 अगेन, पर कैलकुलेट करो, डायरेक्टली जीरो मत लिखो. मैं आपको स्लैब रेट याद दिला दूं 115 BAC का. 115 BAC में अप टू 2.5 लाख निल, 2.5 लाख टू 5 लाख कितना परसेंट बेटा, 5%. 5 लाख टू 7 लाख कितना परसेंट बेटा, 10%. बराबर ना? चलो इस हिसाब से पहले टैक्स निकालो.
भाई जी, भाई जी चेक कर लो। बराबर, टैक्स कितना आ रहा है? बराबर है, यहाँ टैक्स ही 31,700 आ रहा है, पर रिबेट तो 25,000 का ही मिलना चाहिए था मैक्स। फिर यहाँ कुछ और गड़बड़ हो रही है क्या? क्योंकि टैक्स तो उसने निकाला 24,200, टैक्स उसने क्या निकाला? 24,200। टैक्स कैसे 24,200 आ गया? मन में सवाल नहीं उठना चाहिए आपके, मन में सवाल नहीं उठना चाहिए टैक्स कैसे 24,200 आ गया? सोचो, थोड़ा सा सोचो यार, थोड़ी सी मेहनत और, थोड़ी सी मेहनत और। टैक्स कैसे निकाल रहा है 24,200? किस क्राइटेरिया से निकाल रहा है? किस क्राइटेरिया से निकाला इसने? कुछ भी समझ में नहीं आया भाई जी। इसके लिए ना सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, 115 BAC समझना पड़ेगा। 115 BAC की सिर्फ बात नहीं चल रही है, पूछो क्यों, बात किसकी चल रही है? 115 BAC 1A। जब तक आप इसको पूरा नहीं समझेंगे तब तक आप इसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्टली ये हुआ क्या है। समझ में ही बात? सर क्यों इतना घुमा रहे हो, डायरेक्ट ही बोल देते। डायरेक्ट अगर बोल देता ना तुमको कुछ भी नहीं समझ में आता। डायरेक्ट समझना है तुमको, लो ट्राई करके देखो, लो ट्राई करके देखो। सर इतना जबरदस्त घुमाया है ना इनकम टैक्स ने हाल फिलहाल में, मतलब लिटरली लिटरली जबरदस्त तरीके से घुमाया। डोंट वरी, डरने की बात नहीं है, इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको मैंने पहले चक्कर में घुमाया तो सिर्फ और सिर्फ ये समझाने के लिए घुमाया कि बेटा जो तू सोच के आया है ना कि ये बहुत छोटा है, हो जाएगा, हम फाइनल में है, टू हॉर्न्स हैव ग्रोन ओवर योर हेड। प्रोवाइडेड दैट वेयर द टोटल इनकम ऑफ असेसी चार्जेबल अंडर 115 BAC 1A एंड द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 700,000 rupees, असेसी शैल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्शन फ्रॉम एन अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एज कंप्यूटेड बिफोर डिडक्शन ऑन हिज टोटल इनकम विथ विच ही इज चार्जेबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 100% ऑफ सच टैक्स और एन अमाउंट ऑफ 25,000 विच एवर इज लेस। एक्सीड 700,000 and income tax payable on such income exceeds the amount total income in excess of 700,000, the assessee shall be entitled to a deduction from an income tax on his total income equal to the amount of income tax payable on such income is in excess of the amount total income exceeds 700,000। इतना आसान लग रहा है तुम्हारे को? ये पढ़ोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। होल्ड इट ऑन, ये जो क्राइटेरिया है एग्जाम्पल नंबर 2.2 हमने यहाँ पे लिख करके रख दिया। इसके लिए एज ऑफ नाउ सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइन एज ऑफ नाउ सिर्फ छोड़ करके रखे, क्योंकि आप सिर्फ इतना सा पढ़ के काम नहीं होगा, इसका इंटरप्रिटेशन लाना पड़ेगा। तो फर्स्ट इंटरप्रिटेशन, नॉर्मल टैक्स करते हुए हमने क्या सीखा, हमने क्या सीखा, एक बात समझ लीजिए, हमने सीखा 115 BAC का एक नया रूल आया है, पर ये जो 7 लाख का रूल है ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। पहले नॉर्मल टैक्स समझ लेते हैं, उसको रिफ्रेश कर देते हैं, फिर 115 BAC में जाएंगे। तो चलो वापस से, अगर आपकी इनकम 2,50,000 तक के है आपका टैक्स क्या होने वाला है? निल। 2,50,000 से 5 लाख तक के आपका टैक्स कितना होने वाला है? 5%। द टैक्स इज 12,500। 5 लाख टू 10 लाख कितना परसेंट बेटा? 20%। एंड ये आया 1,12,500 एंड अबाउट 12 लाख 30%।
जब भी टैक्स निकलेगा 4% का एचईसी आएगा एंड रिबेट आएगा। रिबेट के लिए अब एक क्राइटेरिया नहीं, रिबेट के लिए कितने क्राइटेरिया है, दो। जनरल क्राइटेरिया, अगर आपकी इनकम नॉर्मल तरीके से कंप्यूट हो रही है 115 बीएसी से नहीं, तो आज भी हम रिबेट वैसे ही निकालते हैं जैसे हम नॉर्मली निकालते थे। अब 115 बीएसी के साथ क्या एडजस्टमेंट किया है, इसको पहले 115 बीएसी पढ़ना पड़ेगा तो हम समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। समझ में आ जाएगा? तो वो अर्लियर क्वेश्चन है जिसको हमने लिख करके रखा, ताकि जब आप सेल्फ स्टडी करो आपको क्लियर कट समझ में आए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तीसरा नोट इस पेज पे या माइट बी बाजू वाले साइड पे आ सकता है, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ टोटल इनकम, टोटल टैक्स, सेक्शन 288A, सेक्शन 288B, बोथ आर राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ रुपीज 10। इफ लास्ट फिगर इज 5 और अबव, राउंड ऑफ हायर साइड, राउंड ऑफ हायर साइड। डन, चेक करिए। रिसेंटली हम लोगों ने ये सॉल्व किया, सीधा सीधा लास्ट फिगर पे फोकस करो। अगर लास्ट फिगर अप टू 5 या 5 से ऊपर है, आप देख सकते हैं हमने क्या कर दिया, हायर साइड राउंड ऑफ कर दिया, राइट? और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, मतलब वेबसाइट्स के ऊपर तो ये ऑटोमेटिक है, बाय डिफॉल्ट है। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त याद रखना है दो चीजें जो यहां पे ध्यान में रखनी है। पहला, हेड को राउंड ऑफ मत कर देना, टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना है। हेड को राउंड ऑफ मत कर देना, टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना है। एंड सीधा फाइनल टैक्स आफ्टर एचईसी वाले टैक्स को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। क्लियर है? आफ्टर एचईसी वाले टैक्स को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। इधर देखिएगा, एचईसी इज एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 4%। यहां पे राउंड ऑफ लेकर के आए हैं हम लोग, 288A, 288B, टोटल इनकम एंड टैक्स नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में रखता है। रूल ऑफ 5 इज एप्लीकेबल, रूल ऑफ 5 मतलब आखिरी फिगर अगर 5 या 5 से ऊपर है तो हायर साइड आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। डन है मालिक? यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक, सी यू आफ्टर द ब्रेक।
तेरे को इनकम आई इसके। आ जा, चलो जी मालिक को। यस सर, वेलकम आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम लोगों ने देखा था कि भैया हम लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। और टैक्स कैलकुलेट करते वक्त तीन चीजें हमने देखी, जिसमें से एक चीज पेंडिंग रखी, वो है 115 बीएससी के साथ पढ़ने वाला रिबेट, ठीक है। पर हाँ, जीवन भर के लिए हमने एक गांठ तो मान ली कि रिबेट में 5 लाख और 7 लाख में क्या डिफरेंस है, क्लियर है। चलो आ जाओ, तीन चीजें हो गई, अब आता है चौथा, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। ध्यान से सुनिए, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। पर उसके पहले मैं आपको यहां पे एक और एग्जांपल देना चाहता हूं, एग्जांपल नंबर 3, 5 लाख से 10 लाख के प्रोजेक्ट पे, एग्जांपल नंबर 3। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, राउंड ऑफ एंड टैक्स कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट। टोटल इनकम 6,82,582, प्रेजेंटेशन के साथ प्लीज ट्राई करो, 698,582। यहां मैंने राउंड ऑफ कंसेप्ट भी कवर कर लिया, 5 लाख से 10 लाख का ब्रैकेट भी कवर कर लिया। ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, प्रैक्टिस होनी चाहिए, और फॉर्मेट में शॉर्टकट वर्ड मत यूज करना, बेल एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ मत यूज करो। Should I help? सबसे पहले आपको नहीं लगता स्टेप वन विल बी राउंड ऑफ ओनली, 6,98,59 या 80,580, क्योंकि आखिरी फिगर 5 नहीं है तो लोअर साइड राउंड ऑफ कर दो। अब जैसे आप टैक्स निकालते हो वैसे निकालो, एक और कॉलम ऐड कर दो एक्सेल शीट में अपने, अप टू रुपीज, बोलो बेटा 5,12,500 इज फिक्स्ड बैलेंस, 6,98,580 माइनस 5,19,8,580 इस पे टैक्स रेट कितने परसेंट से लगेगा, बोलो बेटा 20% या 30%? 20% से इस पे टैक्स रेट लगेगा, दैट विल कम टू 39,716। इस पे आपका टोटल टैक्स बनेगा 52,216। अब कोई रिबेट तो आने वाला है नहीं, बिकॉज इनकम एक्सीड 5 लाख, सोशल मीडिया पे जाने का नहीं, सोशल मीडिया बोलेगा 7 लाख पे भी रिबेट है, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है सर, जाकर के चेक कर सकते हैं आप,
ठीक है, सोशल मीडिया पे दिमाग नहीं लगाने का, अपन ने देखने का 115 बीएससी अगर लिखा हुआ नहीं है तो आज भी हम ओल्ड सिस्टम से चल लेंगे। ओल्ड सिस्टम से चलने के मुताबिक हमारे को इसमें रिबेट नहीं आने वाला, यहाँ पे एचईसी डायरेक्ट आएगा 2089। पैसे के लिए चिंता मत करना, सब अंत में राउंड ऑफ होने वाला है। सो भैया टोटल टैक्स बनता है आपका एवरी 54305 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बताइए आखिरी फिगर अगर 5 है तो डोंट यू थिंक आपको टैक्स भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा 54310 पे। आपका भी आंसर अगर 54310 है, बधाई हो, अब आप इंटर से रिफ्रेश हो रहे हैं। अभी इंटर नहीं है, अभी तो फाइनल आना बाकी है। डन, चलो जी। डन है मालिक। फोर्थ स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स अंडरस्टैंड, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, सब कुछ एक साथ नहीं पढ़ाया जा सकता, पर हाँ हाल फिलहाल में सिर्फ टैक्स रेट याद रख लीजिए। ये इनकम अराइज कैसी होती है, शॉर्ट टर्म कब होता है, लॉन्ग टर्म कब होता है, हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको दिया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, दैट विल कम टू 15%। यस, अगर आपको दिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, दैट विल कम टू, बोलो बेटा, 20%। अगर हम कंसिडर कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A बियॉन्ड रुपीज 1 लाख, इट विल बी 10%। अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कैजुअल इनकम अंडर सेक्शन 115BB, द टैक्स रेट इज 30%। डन है, ओके। पहले इनको समझ लेते हैं। इफ ओनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज गिवन नॉर्मल स्लैब रेट, इफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन 111A, आपको उसको नॉर्मल स्लैब रेट में ही डालना है, आपको उसको नॉर्मल स्लैब रेट में ही डालना है। क्विकली थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं, 111A कंसिडर जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के ऊपर आने वाला कैपिटल गेन है वो 111A में आता है। 112 के अंदर में अदर ऑल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कवर होते हैं, 112A के अंदर में शेयर्स के ऊपर आने वाला कवर होता है जो 112A की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। और यहां पे हम कवर करते हैं कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम का मतलब विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल और हॉर्स रेसेस, एनी काइंड ऑफ गेम शो। पॉइंट टू बी नोटेड, ऑनलाइन गेम शो का डिस्कशन हम यहां पे अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन गेम शो के लिए ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोविजन आई है जो हम अलग से कंसिडर करेंगे। चलिए इसको समझने के लिए हमें एग्जाम्पल नंबर 4 करना होगा, एग्जाम्पल नंबर 4 नॉर्मल प्लस स्पेशल इनकम, नॉर्मल प्लस स्पेशल इनकम टैक्स कॉन्सेप्ट। जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे आपको हर चीज पे एक एग्जाम्पल मिल जाएगा, इसके बाहर कुछ मत करना क्योंकि हर तरीके के कैलकुलेशन यहां पे कवर कर रहा हूं। सपोज कर लीजिए आपका पीजीबीपी आता है लेट से 6 लाख रुपीज, ठीक है। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है लेट से 7 लाख रुपीज। अगर प्रॉब्लम में सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया एंड दे हैव नॉट मेंशन एनी सेक्शन, यू ऑलवेज अज्यूम 112 ओनली। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A लेट से 3 लाख रुपीज, लॉटरी विनिंग,
लेट से 2 लाख रुपीज, योर टोटल 18 लाख रुपीज, कैलकुलेट टैक्स नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC. चलो डने जी सुनो, 2 मिनट, 2 मिनट, पहले ये आइडेंटिफाई कर लो इनमें से कौन कौन सी इनकम स्पेशल इनकम है. पहले ये आइडेंटिफाई कर लो इनमें से कौन कौन सी इनकम स्पेशल इनकम है. आई गेस पीजीबीपी को छोड़ के सभी, ठीक है. अब द मेन गेम इज फॉर्मैट, द मेन गेम इज फॉर्मैट. एक्सेल शीट इमेजिन करना, एक टेबल नॉर्मल के लिए बनाना, एक टेबल स्पेशल के लिए बनाना. नीचे आकर के हम दोनों का टोटल सम ब्रैकेट में दिस प्लस दिस करने वाले हैं. समझ में आ रही है बात? दिस इज द मोस्ट क्लीनेस्ट फॉर्मेट यू कैन हैव. हालांकि फॉर्मेट अगर तुम ICAI के इस पे देखोगे तो उन्होंने तो बहुत सिंपल पहले नॉर्मल लिख दिया उसका टैक्स बाहर कर दिया, फिर स्पेशल लिख दिया उसका टैक्स बाहर कर दिया. तुम वो फॉर्मेट भी यूज करोगे तो भी चलेगा, बट उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम यह है कि पेज बहुत ज्यादा यूज होगा एग्जाम में भी, और गलती से पेज टर्न हुआ और इधर का इधर कुछ भूल गए तो उसमें मिसअप होने के चांसेस है. सो आई रिकमेंड यू अनदर फॉर्मेट. पॉइंट टू बी नोटेड, फॉर्मेट से इसका कोई लेन देन नहीं है, द होल गेम इज ऑफ टैक्स कैलकुलेशन. ठीक है, चलो क्या करो, एक एक्सेल शीट इधर ड्रॉ करना मस्त, एक एक्सेल में इधर बनाना, एक एक्सेल में इधर बनाना. नॉर्मल और स्पेशल को बिल्कुल अलग अलग कर दो. ठीक है, सबसे पहले जब आपके घर में मेहमान आते हैं, समोसे आते हैं, आपको दिए जाते हैं या मेहमान को पहले दिए जाते हैं? मेहमान को. पहले मेहमान के लिए निकाल लो. आओ, सबसे पहले लॉटरी इनकम 2 लाख × 30% क्या हो गया बेटा? 60,000. ठीक है, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 7 लाख × बोलो बेटा 20%, इज इट 40,000? दैट इज 1,40,000. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3 लाख × 15%, दैट इज 45,000. चलिए टोटल यही बना दो, 2,45,000. हम इसे बी नाम दे सकते हैं, बराबर है? यहां बी लिखना, एक्सेल में बोल्ड दबाना, कंट्रोल बोल्ड, क्लाइंट को समझ में तो भी आए. नॉर्मल, यहां पे आई आपकी टोटल इनकम. अब जितनी भी बच गई ये सारी की सारी कहां जाएगी? नॉर्मल. बताओ, अप टू ₹5 लाख कैन आई से 12,500? पॉइंट टू बी नोटेड, स्पेशल इनकम पे जनरली रिबेट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं मिलता जनरली, क्योंकि आपके मन में यहां पे एक सवाल उठना बहुत लाजमी था कि मैं डायरेक्टली बेसिक एग्जम्पशन लिमिट लॉटरी से क्यों एडजस्ट नहीं कर दूं फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स प्लानिंग. आपके मन में एक एक सवाल है, इन सवालों के डाउट मैं क्लियर कर रहा हूं. पहला सवाल आपके मन में आएगा, क्यों ना मैं मेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट लॉटरी से एडजस्ट करूं? नहीं पॉसिबल है. पूछो क्यों? उसका रीजन ये है, लिखना मत सिर्फ समझना. पूरे इनकम टैक्स में हर जगह वर्ड इनकम लिखा हुआ है, जबकि कैजुअल इनकम में वर्ड लिखा है विनिंग इज टैक्सेबल. सर विनिंग और इनकम तो एक हुई? नहीं. मान लीजिए मैंने 100 रुपए कमाए और 10 रुपए मेरे लॉटरी का टिकट था, तो 90 इज माई इनकम, विनिंग पूरा 100 है बाबू.
इसीलिए लॉटरी और कैजुअल इनकम जैसी चीजों से एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलता, वो ग्रॉस बेसिस पे टैक्स हो जाती है, और वहां पे विनिंग लिखा है जिसका मतलब उसमें से कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता बाय डिफॉल्ट में। दूसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यूज हो सकता है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन तभी यूज हो सकता है व्हेन यू हैव नॉट एब्जॉर्ब्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अगर आपके पास अदर इनकम है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हैज टू बी फर्स्ट एडजस्टेड फ्रॉम नॉर्मल इनकम ओनली। समझ में आ रही बात? चलो बताओ बैलेंस कितना बचने वाला है, इज इट 1 लाख? इस पे टैक्स रेट 20%, ये आ गया 20,000 रुपीज आपका टोटल हो गया, ये आ गया 20,000 रुपीज आपका टोटल हो गया 32,500। एवरीबॉडी चलो इसको नाम दे देते हैं ए। अब बताइए क्या मैं मेरा टोटल टैक्स निकाल सकता हूं? 2 लाख एवरीबॉडी 77,500। दोनों एक्सेल शीट को मर्ज किया, क्या रिबेट मिलेगा? अरे है ना 7 लाख तक रिबेट, अरे ब्रो 7 लाख तक रिबेट है ना, कहां 115 बीएसी 1A, समझ रहे हो? चलो अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में, 277,500 इंटू 4%, बोलो बेटा कितना? दैट कम्स टू 11,100। से यस 2,88,600, नो नीड टू राउंड ऑफ, इट्स ऑलरेडी राउंड ऑफ। प्रेजेंटेशन समझ में आया? डोंट यू थिंक दिस इज मच क्लीनर प्रेजेंटेशन एज कंपेयर टू द वर्टिकल फॉर्मेट? दिस इज मच क्लीनर, आपको आपके सामने ही सारी चीजें दिख जाएंगी। यस यू कैन यूज दिस फॉर्मेट, देर इज नो बाउंडेशन रिलेटेड टू फॉर्मेट। इसी टेक्स्ट पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन आज के होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसी टेक्स्ट पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ जिसमें आपके बेसिक टेस्टिंग होगी। मान लीजिए अब तक आपके पास बुक नहीं पहुँचे हैं, कोई बात नहीं, पीडीएफ मैं अपने ग्रुप पे भी डाल रहा हूँ, इसका टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, इस वीडियो के नीचे भी रहेगा। पहले 5 क्वेश्चन आप होमवर्क करके लाएंगे, पहले 5 क्वेश्चन आप होमवर्क करके लाएंगे जानबूझ करके, सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है पहले 5 क्वेश्चन की, ठीक है? चलो इज दिस डन? एग्जाम्पल नंबर 4.1 एडवांस प्रॉब्लम ऑन, बोलो बेटा, नॉर्मल एंड स्पेशल रेट कॉन्सेप्ट। हाउस प्रॉपर्टी इनकम सैलरी अर्नड पीजीबीपी देन लॉटरी विनिंग देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, टोटल बराबर एस्टिमेटेड टाइम टू सॉल्व 7 मिनट। एस्टिमेटेड टाइम टू सॉल्व 7 मिनट्स। यू डिसाइड क्या होना चाहिए, वर्ड्स को पढ़ो जरा।
क्या लगता है सर, स्टिल यू हैव टाइम? करूं डन, व्हाट इज द आंसर? व्हाट एवर इज द आंसर, हाँ दोनों बता देना। 345 800, हाँ 282 880। जितने बच्चे ऑनलाइन है, भाई साहब मेरे को आपका जवाब चाहिए। हाँ जी, आकाश का जवाब आ रहा है, चलो देखते हैं आकाश का क्या जवाब आ रहा है। सर आकाश, सर 314 500, आकाश का जवाब आ रहा है तेरी, हाँ आकाश का जवाब आ रहा है 314 500, ठीक है। और किसका क्या जवाब आ रहा है? प्रियांशु का जवाब आ रहा है 343 200, 343 200। बोलो अक्षय कितना आ रहा है? 345 800, हाँ भाई कितना आ रहा है? 314 600। और बताओ किसका कितना आ रहा है? बोलो 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 किसका कितना आ रहा है? गलत जवाब बिल्कुल चलेंगे, 217 800, 217 800। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। हाँ 377 000, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ऋतुजा भाई साहब, ऋतुजा का जवाब आया 345 800। जितनी इनकम नहीं थी उससे ज्यादा तो जवाब आ गए भाई तुम्हारे, बहुत शानदार। वर्षा का जवाब आ रहा है 283 400, वर्षा, वर्षा का जवाब आ रहा है 283 400। हाँ साक्षी का जवाब आ रहा है 283 400, ठीक है साक्षी। और तुम लोग आजू बाजू बैठे हो क्या? हाँ अवंतिका का जवाब आ रहा है 320 840, 320 840, चलो एंट्री क्लोज। हाँ क्या हो गया? तुम तो टैक्सेशन में आर्टिकल चुप करके याद है तुमको, तुम इंटर में थे, कौले कौले बच्चे थे, क्या बोलते थे अपने टीचर को? सर मेरे को ना यू नो बिग फोर में जाना है। याद है तुम आर्टिकल चुप, सर मेरे को बिग फोर में जाना है। फिर हुआ क्या तुम्हारा बिग फोर में जाके? फिर तुमको इंटरनल ऑडिट एंड स्टैचुटरी ऑडिट डिपार्टमेंट, फिर तुमको इंटरनल ऑडिट एंड स्टैचुटरी ऑडिट डिपार्टमेंट मिला। फिर तुम्हारा जो लाइफ था उसके तो तुमने समझा वो भी सही है। बराबर है कि नहीं? सी पॉइंट पता ही क्या है, मेरे को लगता है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। अब सारा कैलकुलेशन वैसे ही सॉफ्टवेयर कर देता है, हम क्यों इतने क्लरिकल वर्क करते हैं? सर कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर नहीं करता, सॉफ्टवेयर में गलतियां हो सकती है, बट सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है? कैलकुलेट भी कर सकता है पर वो प्लानिंग नहीं कर सकता। जब आप उसको एक्सेल में लेकर के बैठते हो कि सर एक काम करो, ये इनकम को यहाँ से इतना रिड्यूस करो तो ये इतना इतना आएगा, वो एक्चुअल चीज़ है जो तुम तुम्हारे ऑफिस में करते हो, क्योंकि रियलिटी अब तुमको पता है। अब तुम इंटर के बच्चे नहीं हो, यू नो तुम इंटर के बच्चे नहीं हो। इंटर का बच्चा क्या बोलता, उसको लगता है कि भैया आज भी इनकम से टैक्स निकलता है। रियलिटी क्या है? टैक्स से इनकम निकलता है। रियलिटी तो यही है ना कि टैक्स से इनकम निकलता है। यस चलो आओ,
अब यहां पे मैं आपको बताता हूं आपसे क्या क्या गड़बड़ हो सकती थी। पहली गड़बड़ आपसे ये हो सकती है यहां पे कि आपने सैलरी और एचपी में डिडक्शन नहीं दिया। यहां पे हमने वर्ड लिखा हुआ है प्रॉपर्टी इनकम एंड सैलरी अर्न्ड। अगर आपको ब्रैकेट में लिखा ना मिले दैट इट इज कंप्यूटेड, आपने सबसे पहले इसमें से खुद होके स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल कहता है अगर यहां पे ब्रैकेट में कंप्यूटेड नहीं लिखा है योर फर्स्ट एंड प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें से क्या माइनस करो, स्टैंडर्ड डिडक्शन। सैलरी से 50,000 का एंड एचपी से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करो, ये आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। सो अगर मैं बात करूं, हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। स्पेशल सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 लाख इंटू 15%, ठीक है। दूसरा 112A, सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख इंटू 10%, 2 लाख इंटू 10%। लॉटरी विनिंग 4 लाख इंटू 30%, बराबर है ना? हाँ जी बराबर है। टैक्स निकालते वक्त हम यहाँ पे 1 लाख लेंगे, आप इसको 1 लाख इंटू 10% कर दो। मैं यहाँ पे 2 लाख माइनस 1 लाख करने वाला था ताकि वो क्लैरिटी रहे। बाकी जो भी इनकम बची ये सब आपकी कहाँ जाएगी, नॉर्मल के अंदर में जाएगी। सबसे पहले आपका एचपी इनकम लेके आ जाओ। एचपी इनकम कितना है, 5 लाख। सो 5 लाख इंटू 30% माइनस करके 3,50,000 शुड बी योर एचपी इनकम। अगर नहीं बोला है आपको डिडक्शन देना ही देना है, कंप्यूटेड नहीं लिखा है, डिडक्शन देना ही देना है। सैलरी बोल मेरे भाई, सैलरी कितना कंसिडर करेगा, 4 लाख माइनस 50,000, ये भी कितना आया, 3,50,000। पीजीबीपी आपका बैलेंस आ गया, पीजीबीपी कितना आ गया आपका, 3 लाख। पीजीबीपी में कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होता। इज इट 10 लाख्स, यस और नो? 10 लाख्स पे टैक्स सीधा आता है 1,12,500। इस पे तो कहीं कोई दिमाग लगाने का काम ही नहीं है। यस आओ इधर। यहाँ पे आपने 2 लाख लिखा होगा तो यहाँ पे 2 लाख माइनस 1 लाख या फिर सीधा 1 लाख इंटू 10% आप कर सकते हो, दैट कम्स टू 10,000। यहाँ पे 4 लाख का 30%, 1,20,000, और यहाँ पे 2 लाख का 15%, दैट कम्स टू 30,000। तो टोटल बनता है 1,60,000। दोनों को ऐड कर दो तो आपका टैक्स आता है 272,500। इस पे डायरेक्ट एचईसी लगाओ एट द रेट ऑफ 4%, 10,900। योर फाइनल टैक्स कम्स टू ₹283,400। हाँ चलो, हाँ जी, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग, परसेंटेज ऑफ सीए फाइनल रिजल्ट। प्लीज एड ऑन पॉइंट नंबर 1, इफ नथिंग इज रिटर्न, if nothing is returned, about computation of बोलो बेटा एचपी और सैलरी इनकम, अज्यूम दैट दे आर ग्रॉस इनकम एंड प्लीज मेक डिडक्शन। अज्यूम दे आर ग्रॉस इनकम
ग्रॉस इनकम, समझ में आई बात? तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन बाय डिफॉल्ट में देना है, प्रॉब्लम में बोला हो या नहीं बोला हो, अनलेस एंड अनटिल कंप्यूटेड इज रिटन, तुमको ये अजम्पशन लेना है। इसीलिए प्रॉब्लम को हमने क्या नाम दिया बोलो बेटा, एडवांस प्रॉब्लम। कि भैया ये एक चीज है जहां आपको मॉड्यूल में लिखी हुई दिखेगी नहीं, पर कैलकुलेशन पूरे इस तरह से होंगे। यस, दूसरा एक और पॉइंट लिखिए, अंडर सेक्शन 112A, अंडर सेक्शन 112A the tax is at the rate of 10% beyond 1 lakh. Done? चलो जी, वो क्लियर। एक छोटू सा क्वेश्चन है, एकदम बच्चा क्वेश्चन, एकदम बच्चा क्वेश्चन है, इसको नहीं लिखो तो भी चलेगा, सिर्फ समझ लेना। अज्यूम कर लो तुम्हारा जो पीजीबीपी इनकम है दैट इज लेट से 4 लाख, एंड योर एग्रीकल्चर इनकम इज लेट से 1.5 लाख। इज रिबेट अवेलेबल? एक जवाब यस। जितने बच्चे ऑनलाइन हैं जल्दी से बताओ, अवनेश, अवंतिका और ये कौन कौन है भाई, ड्रीम्स, साक्षी, श्रुति, मेहुल, चार्मी, फटाफट बताओ क्या रिबेट मिलेगा, हाँ या ना? यस, एंड द आंसर इज मिलेगा। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था जो इनकम एग्जम्प्ट है वो टोटल इनकम में काउंट ही नहीं होती। रिबेट के वर्ड्स वापस पढ़ो, क्या लिखा के दिया है, नॉर्मल प्लस स्पेशल एक्सक्लूडिंग एग्जम्प्ट इनकम। तो जब हम ये 5 लाख और 7 लाख इधर ऑफ द अबव हम कंसिडर कर रहे होंगे, एग्जम्प्ट इनकम को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। हाँ, पर इसमें नॉर्मल स्पेशल जरूर कंसिडर होंगे, हम एग्जम्प्ट को इसके अंदर में कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर है मालिक? से यस। तो देखिए आपके नोट्स में स्पेशल इनकम यहाँ 15, 20, 10, 30 यहाँ तक के तो हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, यहाँ तक के तो हमने क्या कर दिया कंसिडर। आप देखेंगे यहाँ पे और तीन चीज़ें लिखी है, इसी लेक्चर में होगी, आगे होगी, अभी तुम्हें जितना जरूरत है उतने पर लेके जा रहा हूँ। चलिए स्पेशल एडजस्टमेंट्स पे चलते हैं, रजिस्टर में जाइए। ये जो लास्ट पॉइंट आपने लिखा स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, इसके नीचे 1, 2, 3, 4 लाइन छोड़ देना, यहाँ लिखना स्पेशल एडजस्टमेंट्स। स्पेशल एडजस्टमेंट्स इफ असेसी इज रेसिडेंट, यूजिंग अ हाईलाइटर रेसिडेंट पे हाईलाइट करो, एंड ही कैन नॉट एब्सॉर्ब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड हैज स्पेशल इनकम विज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सच स्पेशल इनकम शैल बी फर्स्ट यूज्ड टू एब्सॉर्ब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट
एंड बैलेंस इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट। Done. If assessee is resident, you have three questions in your module, जहां पे literally तुमको इस तरीके के adjustment दी, पर assessee लिख दिया non-resident. And 100% chances are there कि तुम इसको गलत करोगे. Don't worry, ये तीनों question हमने हमारे notes में cover करे हुए, तीनों question हमने हमारे notes में cover करे, जिसमें से एक notes में cover करे हुए और दो बचे हुए questionnaire में cover करे हुए. बहुत fantastic question. ये adjustment सिर्फ तभी possible है जब assessee resident हो. Non-resident के लिए special adjustments है नहीं. ये special adjustments कहाँ लिखी हुई है? ये special adjustments अगर आप बेसिक प्रोविजन पढ़ने जाएंगे वहां नहीं लिखा है. इनफैक्ट तुम्हारे मॉड्यूल में भी नहीं. जब आप कैपिटल गेन पढ़ते रहेंगे तब 111A, 112 एंड 112A के अंदर में ये लिखी हुई है. क्लियर है? इफ असेसी इज रेसिडेंट एंड कैन नॉट एब्सॉर्ब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, वो अपनी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है एंड हैज गॉट अ स्पेशल इनकम, सच स्पेशल इनकम विल बी फर्स्ट यूज टू एब्सॉर्ब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड बैलेंस इफ एनी विल बी चार्जेबल एट स्पेशल रेट. अब मुझे एक बात बताइए, कॉमन सेंस लगा करके बताइएगा. सपोज कर लीजिए आपके मन में, क्योंकि तुरंत ये सवाल आएगा, तीनों में से पहले क्या एडजस्ट करना, लॉन्ग टर्म की दो और शॉर्ट टर्म की एक, तीनों में से पहले क्या एडजस्ट करना, क्योंकि अगर वहां पे सिर्फ शॉर्ट टर्म है वो तो वैसे ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का पार्ट है. तो मन में आपके क्या सवाल उठेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन, कि भाई तीनों में से क्या यूज करना पहले, 112, 112A या फिर 111A? क्योंकि अगर आप देखेंगे यही हम क्लाइंट के लिए बेनिफिट लेके आएंगे. लॉ यहां पे लूपहोल के साथ है, मतलब लॉ क्लियर ही नहीं है. दी प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ, समझ में आई बात? तो यहां हम क्लाइंट के साथ कंफर्म खेल सकते हैं, यहां हम क्लाइंट के साथ खेल सकते हैं, इनफैक्ट डिपार्टमेंट के साथ भी खेल सकते हैं कि भाई तू बता, क्योंकि लॉ इज अनक्लियर अबाउट द पॉइंट कि तीनों में से पहले क्या एडजस्ट करना है. बट मैं जानता हूं आप इतने समझदार जरूर है कि खुद प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं. बताइए पहले क्या होना चाहिए. ऑब्वियसली पहले होना चाहिए LTCG 100 सेक्शन 112. व्हाई? बिकॉज इसका टैक्स रेट हायर है. फिर क्या होना चाहिए? फिर होना चाहिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A. और फिर क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A. ये सीधा सीधा क्या बनेगा आपके लिए? टैक्स प्लानिंग. ये सीधा सीधा आपके लिए क्या बनेगा? टैक्स प्लानिंग. ये अनक्लियर है इसलिए आपके मन में दूसरा सवाल आया, उसको भी पहले ही क्लियर कर दूं. सर लॉटरी एडजस्ट नहीं हो सकती क्या? रीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, विनिंग इज टैक्सेबल, इसीलिए लॉटरी यहां पे एडजस्ट पॉसिबिलिटी के बाहर है. समझ में आ रही बात? तो ये एडजस्टमेंट सिर्फ इन तीन फैक्टर के लिए है. आई थिंक हम एग्जाम्पल नंबर 4 पे चल रहे हैं. एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5. स्पेशल एडजस्टमेंट कॉन्सेप्ट. अच्छा बेटा स्पीड तो नहीं हो रहा ना एवरीबॉडी? भाई साहब स्पीड तो नहीं जा रहे हम पक्का? ऑनलाइन वालों हम स्पीड तो नहीं जा रहे? चलो अंडरस्टैंड करते हैं. PGBP 2 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 1 लाख, लॉटरी 3 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A 4 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A 5 लाख, टोटल 15 लाख. ट्राई करोगे? चलो ट्राई करो फटाफट.
डैनियल जी, चलो आई गेस द प्रॉब्लम इज वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं पीजीबीपी. वी ऑल नो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज नॉट एब्सॉर्ब्ड. नाउ वी हैव टू एडजस्ट सर्टन इनकम. कैन आई एडजस्ट द लॉटरी इनकम? आंसर इज नो. सो मैं यहाँ पे जा करके सीधा लिख देता हूँ लॉटरी, क्योंकि आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू टैक्स इट. सो 90,000 इधर आ गए. क्लियर? अब बचता है 112, 112 एंड 111 ए. आई गेस द चॉइस इज वेरी क्लियर. यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 50,000. टोटल बन जाएगा 2,50,000 और यहाँ पे हम टैक्स क्या लिख देंगे? निल. ठीक है मालिक? यहाँ आपका बैलेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, दैट इज 50,000 इंटू 20%, दैट इज 10,000. से यस. यहाँ दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 3,00,000 इंटू 10%, दैट्स 30,000. एवरीबडी से यस. फिर आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 5,00,000 इंटू 15%. 5,00,000 का 15%, दैट्स 75,000. समीशन 2,05,000 इज योर टोटल टैक्स. डोंट यू थिंक यू विल अप्लाई HEC रिबेट आना? नहीं है. 4% इज 8,200. फाइनल टैक्स कम्स टू 213,200. इज एवरीबडी गेटिंग द सेम आंसर? जल्दी से बताओ, इज एवरीबडी गेटिंग द सेम आंसर? इफ यस, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ. तुमने धरती पे कुछ नया किया. बहुत दिनों बाद तुम्हारे आंसर मैच करने लगे हैं. और असली सुख एक्स के मैसेज में नहीं, डीटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने में आता है. बहुत अच्छा रिफ्रेश हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ. आप देख रहे हैं 3 दिन से करीब हमारे को समझ ही नहीं आ रहा टाइम जा किधर रहा. हमारे को समझ ही नहीं आ रहा टाइम जा किधर रहा. और मैं आपसे वादा करता हूं कि सर इसी तरीके से टाइम गुजरेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि टाइम जाएगा कहां. मजाक. डन मालिक? तो मैंने आपको 5 होमवर्क दिए हैं. जस्ट इन केस आपको ऐसा लगता है कि यार इतना बड़ा PDF नहीं सर, मैं तो फोटो खींच लूंगा, मैं आपको दे रहा हूं. ये 5 होमवर्क मैंडेटरीली करके आइए, प्रैक्टिस हो जाएगा. और कोई भी रीजन मत देना ना सॉल्व करने का. ईमानदारी से 5 क्वेश्चन करके आना है. ठीक है मालिक? थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर. कल और सारे टैक्स कैलकुलेशन आएंगे, और सारी लेवल्स आएगी. कल सरचार्ज नाम का कॉन्सेप्ट आएगा. देन आपके टैक्स रेट फॉर अदर SSEs भी कल आएंगे.